Hey guys, I welcome you all to an Academy CA Foundation YouTube channel. दोस्तों आज हम इस एक वीडियो में करने वाले हैं BCA के चैप्टर नंबर 4 एंड 5 का पूरा मैराथन. BCA के चैप्टर 4 का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड BCA के चैप्टर 5 का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस. सो यार सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसीए के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं. एंड सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जब आप सीए इंटर में पहुंचेंगे तो तभी मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आगे जाकर पढ़ाने वाला हूं. दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे. मुझे फॉलो करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. आप हमारे कम्युनिटी ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको हमारे अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी टैब पे मिलते हैं, राइट? तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें. इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैं जितने भी फ्री सेशंस लेता हूँ सारे सेशन की लिंक्स मैं इस एक गूगल शीट में अपलोड कर देता हूँ. इसकी लिंक है bit.ly/mvsiranacademy. तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही लिंक टाइप करते हैं किसी भी ब्राउजर के ऊपर तो आपको ऐसा एक शीट ओपन होता है. यहाँ पे तीन आपके क्या बताए, यहाँ पे तीन आपको टैब्स दिखते हैं. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड बीसीए वाला आपको यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करना है. एंड यहाँ पे आप जाके जितने भी मैं मैराथन सेशंस लूंगा ना उन सबकी लिंक्स में यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है? सो आप एक जगह पे हमारे सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं. मैंने पुराने भी जो वन शॉट सेशंस लिए हैं, जो एमसीक्यू सेशंस लिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे इस एक लिंक पे मिल जाती हैं. किसी भी ब्राउजर पे आप इस लिंक को टाइप कर सकते हैं. एज इट इज आपको ये हमारा जो सारे सेशन की लिंक्स है एक जगह पे मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आप जो है अनअकैडमी पे भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एमवीसर कोड यूज कर सकते हैं. अनअकैडमी पे आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दोनों में सेम क्लासेस होती है, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस. एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप एंड प्रिंटेड बुक्स. तो आप जो भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं एमबीसा कोड को यूज करके. एंड एक लास्ट चीज मैं अपने जूनियर्स को जरूर बता देना कि हमारी मंजिल बैच स्टार्ट हो चुकी है सीए फाउंडेशन मई जून 23 वाले बच्चों के लिए. 24 नवंबर से बैच चालू होगी. तो इसमें भी जो है एमबीसा कोड को यूज करके स्टूडेंट्स जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप सीए इंटर में जाके भी सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं अनअकैडमी का. तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें सुनेंगे. चलो ओके. सबसे पहले चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, इसमें जो है आपको टोटल ये आपके क्या बताइए, टोटल आपके ये टोटल चार मेजर इसके क्या है सब टॉपिक से जो आपको पढ़ने हैं. इसमें ये हिस्टोरिकल स्केच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बाकी तीन जो पार्ट होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. जल्दी से देखेंगे. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाता है. इस एग्जांपल के थ्रू हम इस चैप्टर में बस ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि यार हर एक इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी ही पड़ेगी, वरना सब लोग अपने अपने हिसाब से अगर काम करने जाएंगे तो बहुत ही केओटिक चीज हो सकती है. इसलिए कैसे बिजनेसेस को चलना चाहिए, अलग अलग चीजों में किस तरह की हम पॉलिसीज लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक, अगर सब है ना रोड पे अपने मर्जी से हर जगह से गाड़ियां चलाना चालू कर देंगे तो क्या बहुत केओस मच जाएगा? हाँ. तो क्या उसमें भी हमें किसी लॉ की जरूरत है, किसी पॉलिसी की जरूरत है? यस. तो पॉलिसी क्यों जरूरी है बताइए, ताकि एक यूनिफॉर्म तरीके से चीजें चले. तो बोलते हैं कि हर इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ना बेटा ये होती है सैन कुआ नॉन. हर इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो जाती है, सैन कुआ नॉन. मतलब क्या, एक एसेंशियल कंडीशन होता है जिसके बगैर एक इकोनॉमी यूनिफॉर्म तरीके से अच्छी तरीके से नहीं चल सकती. नेक्स्ट फिर बात आती है कि देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है. जैसे कि बांग्लादेश में सेकेंड हैंड कार को इम्पोर्ट करना अलाउड है. बांग्लादेश में सेकेंड हैंड कार को इंपोर्ट करना अलाउड है, लेकिन बेटा इंडिया में सेकेंड हैंड कार्स को इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है. अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी इंडिया में अपने कार्स को बेचना चाहती है तो उनके पास दो ऑप्शन है. या तो बाहर की कंपनी इंडिया के किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बना सकती है, या तो दूसरा ऑप्शन है कि बाहर की कंपनी को इंडिया में अपना होली ओन्ड सब्सिडियरी ओपन करना पड़ेगा. फिर से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे, अगर इंडिया के बाहर की कोई कार कंपनी है जो हमारे इंडिया में अपनी कार बेचना चाहता है तो टोयोटा ने बेटा रास्ता चुना था कि टोयोटा ने किर्लोस्कर मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर,
फॉरेन कार कंपनी को इंडिया की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, या तो फॉरेन कार कंपनी को इंडिया में अपना होली ओन सब्सिडरी ओपन करना पड़ेगा, तो ही वो बाहर की कंपनी इंडिया में अपने कार बेच पाएंगी। तो टोयोटा वाले ने क्या किया, इसने जॉइंट वेंचर वाला रास्ता चुना। एंड ह्यूंडई इंडिया लिमिटेड ने क्या किया बेटा, ह्यूंडई कंपनी ने क्या किया, इन्होंने जो है 100% होली ओन इंडियन सब्सिडरी ओपन की एंड अपना बिजनेस इंडिया में चालू किया। ये एमसीक्यू में आता है कि ह्यूंडई इंडिया लिमिटेड ने कौन सा रास्ता चुना इंडिया में अपनी कार्स बेचने के लिए। नेक्स्ट बात आती है बेटा, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमें क्या बताइए, जब हमें 1947 में बेटा इंडिपेंडेंस मिला था, उस समय पे जो है हमारे हमें इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से तो मिल ही चुका था, लेकिन उस समय पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादातर चीजें थी। क्यों? क्योंकि जो है जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स थे उनमें उतना मेचोरिटी नहीं था, है ना, उनको पता ही नहीं था कि हम कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे पावर खुद के पास रखे थे, मेजर रिसोर्सेज जो थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इसीलिए ऐसा एमसीक्यू आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ध्यान देंगे मैं कुछ बोल रहा हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर एटलीस्ट 3-4 डेकेड्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट थ्री फोर डेकेड्स इंडिया फॉलोड अ, ऐसा एमसीक्यू आता है, फॉर द फर्स्ट 3-4 डेकेड्स इंडिया फॉलोड अ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि इंडिया फॉलोड अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था, डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर था, इसलिए ऐसा यहां पे आंसर है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट 3-4 डेकेड वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ, बस अगर इतना लिखा है, मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट 3-4 डेकेड्स, डेकेड्स मतलब क्या, 10 साल, तो पहले 30-40 साल वाला पॉइंट अगर नहीं लिखा है, अगर डायरेक्ट लिखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ, तो फिर क्या बोलोगे, तो फिर आप बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लीज इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर आता है बेटा टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, बोलते हैं हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं हम उसे जनरली दो दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी, दूसरा होता है बेटा सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी होती है ये इकोनॉमी एज अ होल के लिए रहती है। इसमें दो आती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। एंड जो सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी होती है ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होती है। जो सेक्टर मैनेजमेंट होती है क्या बताइए, जो सेक्टर मैनेजमेंट होती है ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हमने पॉलिसी बनाई होती है। बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ध्यान देंगे, बोलते हैं सबसे पहले इसमें है फिस्कल पॉलिसी एंड क्या बताए, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या बोलता है कि फिस्कल पॉलिसी जो है बेटा ये कौन बनाता है, ये बनाता है गवर्नमेंट। एमसीक्यू आ सकता है, कौन बनाता है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट बोलता है कि मैं एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे, रेलवे सेक्टर पे, है ना, रोड्स वगैरह बनाने में कितना खर्चा करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट कौन सी चीजों पर कितना कितना खर्चा करना चाहता है, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। कौन सी चीजों पे टैक्स लगना चाहिए, इनकम टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, किन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, कौन से गुड्स पे जीएसटी लगना चाहिए, जीएसटी का रेट क्या होगा, ये चीजें भी फिस्कल पॉलिसी में होती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू की बातें फिस्कल पॉलिसी में होती है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बेटा बनाता है आरबीआई, है ना, कि हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को, हमारे इकोनॉमी को, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स को कम ज्यादा करके इकोनॉमी के मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। अब इसमें एमसीक्यू आ सकता है, ये तो आएगा ही, फिस्कल एंड मॉनेटरी क्या है, और एक एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो हमारी पॉलिसीज होती है ना, क्या ये सिर्फ डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी पे वर्क करेगी क्या, नहीं, बोलते जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज है इससे डिमांड भी बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ता है इकोनॉमी में, हमारे डिमांड सप्लाई दोनों पे असर करती है ये वाली पॉलिसीज। तो बोलते हैं दे वर्क ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आते हैं बेटा सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए बनाई गई हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बनाई तो ये हो जाएगी सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अगर सिर्फ फॉरेन ट्रेड के बारे में कोई पॉलिसी बनाई तो ये हो जाएगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी,
है ना, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, झेपरी बात है, बोलेंगे कि आपको एमसीक्यू आ सकता है कि 1956 से 1991 के बीच में जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, वो इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए बनाई थी। तो ये भी एग्जांपल है, क्या बताइए, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का। समझो टेलीकॉम सेक्टर के लिए या एविएशन, सिविल एविएशन सेक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात देखेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। सबसे पहली बात है कंड्यूसिवनेस का मतलब क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट, प्लीज ध्यान देंगे, कंड्यूसिवनेस का मतलब क्या बताए भाई फास्ट, कंड्यूसिवनेस का मतलब क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिले, जहां पे बिजनेसेस, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बिजनेसेस आसानी से फैसिलिटेट हो सके, अपने आप को ग्रो हो सके, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बिजनेसेस और स्टिमुलेट हो सके, उस एनवायरनमेंट को बोलेंगे कि बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना है। अब बिजनेस कंड्यूसिवनेस कैसे बढ़ती है, तो ये पांच इंडिकेटर्स को देख के हम बोल सकते हैं कि बिजनेस कंड्यूसिवनेस ज्यादा है या कम है। बोलते हैं कि अगर आपके इकोनॉमी में बेटा जीडीपी अगर बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे बिजनेसेस भी और ग्रो करेंगे और सेल होगा और प्रॉफिट कमाएंगे। सो राइजिंग जीडीपी ये एक मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर है जो दर्शाता है कि बिजनेसेस क्या बताए, बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। समझ में आ रही बात है। आगे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन मॉडरेट। बोलता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना भी अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन बहुत कम होना भी अच्छा नहीं, मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। मॉडरेट इन्फ्लेशन एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि बिजनेसेस और फैसिलिटेट होंगे फ्यूचर में। जेपी का बात है, यहां पे ध्यान देंगे, एमसीक्यू आता है बेटा कि बहुत कौन सी चीज इसमें से सबसे बुरी होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होना बुरा है या मॉडरेट इन्फ्लेशन होना बुरा है या बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन होना बुरा है, ये एमसीक्यू आता है। तो सबसे बुरा क्या होता है, बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन होना बहुत बुरी बात है, है ना। तो बोलते हैं इफ देयर इज टू लो इन्फ्लेशन, तो एक सीडेशन इफेक्ट आ जाता है इकोनॉमी पे, बेहोशी का, मतलब क्या, इकोनॉमी जो है ग्रो कर ही नहीं पाती है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होता है। तो एमसीक्यू आएगा सबसे बुरा क्या है इसमें, हाई इन्फ्लेशन, मॉडरेट या लो, तो क्या बोलेंगे, लो इन्फ्लेशन होना बहुत ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये लेटेस्ट एमटीबी में क्वेश्चन था। यस, तो अच्छा, अगर आपको पूछा बिजनेस कंड्यूसिवनेस के लिए इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए, मॉडरेट इन्फ्लेशन, सबसे बुरा कौन सा होता है इन्फ्लेशन में, बहुत ज्यादा लो इन्फ्लेशन होना। नेक्स्ट कॉमन सेंस लगे, कॉमन सेंस, टैक्सेस ज्यादा होना अच्छा कि कम होना अच्छा, अगर टैक्सेस ज्यादा रहेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मजा आएगा कि टैक्सेस कम हो गए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मजा आएगा। फास्ट बताएंगे, क्या किस में मजा आएगा, बोलो जल्दी से। हाँ सर, टैक्सेस का कम होने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा लगेगा, तो लो टैक्सेस इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस कंड्यूसिवनेस। अगर इंटरेस्ट रेट्स, जिस रेट पे आपको बैंक से लोन मिलते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो बिजनेस कंड्यूसिवनेस वाला एनवायरनमेंट बनेगा। एंड एक्सचेंज रेट कैसा होना चाहिए, एक्सचेंज रेट कैसा होना चाहिए, एक्सचेंज रेट जो है आपका मॉडरेट होना चाहिए। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं वो आपको याद रखनी है, अभी हम लॉजिक में उसके नहीं जाएंगे, याद रखेंगे बेटा कि अगर आपका वीक एक्सचेंज रेट होता है, क्या बोला मैंने, अगर आपको वीक एक्सचेंज रेट होता है, वीक एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा वीक है, एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा वीक है, तो किसको इससे फायदा मिलता है, वीक एक्सचेंज रेट होने का फायदा किसको मिलता है, एक्सपोर्टर को इससे फायदा मिलता है, है ना, एक्सपोर्टर को इससे फायदा मिलता है, याद रखेंगे। तो हमारे कंट्री का अगर एक्सचेंज रेट बहुत वीक है, मतलब समझो $1 अगर हो गया कल जाके ₹100 का, तो क्या हो जाएगा, हमारे कंट्री के एक्सपोर्टर्स को मजा आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ता है इस केस में कंट्री का। और अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग, अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्सचेंज रेट होगा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्सचेंज रेट होगा तो इस केस में इंपोर्टर को फायदा होता है, किसको फायदा होता है, इंपोर्टर को। तो अभी जितना बोल रहा हूं याद रखेंगे, स्ट्रांग एक्सचेंज रेट मतलब क्या, समझो $1 कल जाके हो गया ₹60, मतलब कि अब हमारे रुपी की वैल्यू काफी स्ट्रांग हो रही है डॉलर के प्रति, पहले तो ₹100 में $1 आता था, अब ₹60 में $1 आता है,
तो अगर स्ट्रांग एक्सचेंज रेट रहा तो इंपोर्टर का फायदा, वीक एक्सचेंज रेट रहा तो एक्सपोर्टर का फायदा। लेकिन जनरल वे में सारे बिजनेसेस को फायदा कब होगा? जब मॉडरेट एक्सचेंज रेट होता है तब। याद रहेगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर बात आती है इसमें एमसीक्यू ऐसा आता है बेटा कि देखो, मैंने अगर बोला कि जीडीपी जब बढ़ता है, ठीक है, अगर जीडीपी जब बढ़ता है तो बिजनेस कंड्यूसिवनेस वाला एनवायरनमेंट बनता है, लेकिन अगर इसके साथ साथ टैक्सेस भी बढ़ गए तो, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए तो फिर जीडीपी का जो असर इकोनॉमी पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं कि जब यहां पे मैं एक फैक्टर की बात करता कर रहा हूं तो बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मानो। जब मैंने बोला कि राइजिंग जीडीपी बिजनेस कंड्यूसिवनेस का एक इंडिकेटर है तो ये मैं तब बोल सकता हूं जब बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। अगर सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा हमारा क्या कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। जब मैं बोलता हूं कि कम इंटरेस्ट रेट होना ये बिजनेस कंड्यूसिवनेस का एक इंडिकेटर है तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। इस पे एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द ओवर आर्किंग अजम्पशन इन केस ऑफ द मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स। तो क्या बोलोगे? द ओवर आर्किंग अजम्पशन इज गिवेन अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं बताइए कि जब हम यहां पे एक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो बाकी फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। झेपा का बात कर रहा हूं, चलो वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोलता है कि हम पॉलिसीज जो है वो कैसे बनाते हैं, तो इसका प्रोसेस दिया है। सबसे पहले पॉलिसी का कंटेक्स्ट समझना जरूरी है कि पॉलिसी किस चीज, कौन से टॉपिक से रिलेटेड बनानी है, तो पॉलिसी का कंटेक्स्ट समझो। फिर पॉलिसी का कंटेंट तैयार करो कि पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें आप लिखना चाहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप इस पॉलिसी को लागू करेंगे वो डिसाइड करो, वो इंस्टीट्यूशंस कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे पॉलिसी को लागू करने के लिए, एंड फाइनली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उन पॉलिसी को फाइनली जाके फॉलो करना चालू करेंगे। तो ये क्या है, आपका प्रोसेस दिया है आपको, है ना, आपको प्रोसेस दिया पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। इस पे एमसीक्यू आता है बेटा ये कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी मल्टी डायरेक्शनल या ऑप्शन सी बाई डायरेक्शनल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल, क्या बोलोगे? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज क्या बताइए फास्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज बाई डायरेक्शनल। क्या बाई डायरेक्शनल? मतलब कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी तो काम हो गया क्या? नहीं, हमें लोगों से फीडबैक भी लेना पड़ेगा। तो हमने पॉलिसी बना दी तो लोगों से आप फीडबैक भी लो कि वो पॉलिसीज जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई है क्या वो प्रॉब्लम सही में सॉल्व हो रही है या नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो क्या पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? यस। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बाई डायरेक्शनल होता है, याद रखें, क्या बाई डायरेक्शनल होता है। वेरी वेरी गुड। और एक एमसीक्यू आ सकता है बेटा, बोलते हैं कि हम पॉलिसी क्यों बनाते हैं, ऐसा एमसीक्यू आता है। तो बोलेंगे हम पॉलिसी बनाते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए बताइए? हम पॉलिसी बनाते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हमारे इकोनॉमी का ओवरऑल लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए हम पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं। सो पब्लिक पॉलिसीज जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बनती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा, अगली बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट। सर अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था टाइप ऑफ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। अच्छा सर, टाइप ऑफ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप क्या है? ये है कि स्कोप के बेसिस पे हम पॉलिसी को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी का स्कोप क्या है, कि इसका स्कोप है कि पूरे इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करती है। इसका स्कोप क्या है सेक्टर मैनेजमेंट का, कि ये सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर को अफेक्ट करती है। झेपा गया? अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड इंपैक्ट। झेपा? चलो इसमें आते हैं बेटा टोटल चार टाइप के, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, है ना,
देन रेगुलेटरी पॉलिसी, फैसिलिटेटिव पॉलिसी. पहला एमसीक्यू आता है व्हाट आर दी फोर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऐसा एमसीक्यू आएगा. व्हाट आर दी फोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या व्हाट आर दी फोर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्या बोलोगे? प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड फैसिलिटेटिव पॉलिसी. याद रहेगा, जल्दी से फास्ट. चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखो जल्दी से. देखो जल्दी से बेटा, प्लीज ध्यान देंगे. तो यहां पे देखेंगे पहला क्या है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी. बोलता है प्रोटेक्टिव पॉलिसी क्या होती है, जब हमारा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे हमारे कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्ट होते हैं बाहर के कॉम्पिटिशन से, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसी. सो द पॉलिसीज विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव पॉलिसी. तो आपको एमसीक्यू आएगा कि हमें जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला था ना बेटा, तो 1950s के आसपास, 1950s से लेकर 1980s तक गवर्नमेंट जो है ना ऐसी पॉलिसीज बनाता था जिससे बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन कंपनीज इंडिया में ज्यादा अपने गुड्स ना बेच पाए. तो मिड 50s से 80s तक, 1980s तक ऐसी पॉलिसीज बनाता था गवर्नमेंट जिसके थ्रू वो बाहर के कंपनीज के एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता था, जिससे क्या होगा, हमारे इंडियन फर्म्स को ग्रो करने का समय मिलेगा. समझा? इंडियन फर्म्स को डोमेस्टिक फर्म्स को ग्रो करने का समय मिलेगा. तो डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बाहर वालों को इंडिया में आने नहीं दिया, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसी. याद रखेंगे ये रिस्ट्रिक्टिव शब्द से, इसको टिक नहीं मारेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होता है? बहुत बार बेटा किसी सेक्टर में एक ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा बड़ा होना चालू हो जाता है. बहुत बार बेटा क्या बताइए? हाँ, बहुत बार जो है क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी सेक्टर में इतना ज्यादा बड़ा बन रहा है जिससे उसकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, और मोनोपोली अगर क्रिएट हो गई तो क्या होगा, तो जो है कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनने ही मत दो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनने ही मत दो कि उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बनने वाला होगा, पहले ही उसके ग्रोथ पे कर्व लगा दो, पहले ही उसके ग्रोथ पे रुकावट लगा दो, पहले ही उसके ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी. सो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी पुट अ कर्व, है ना, रुकावट, रोक लगाएगा ऑन द बिजनेस ग्रोथ, लेस्ट इट, लेस्ट मतलब क्या, अनलेस इट शुड बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. तो अगर कोई कंपनी का इतना ग्रोथ हो रहा है कि वो मोनोपोली क्रिएट हो सकती है उसके मार्केट में, तो पहले ही उसको रोक दो, पहले ही उसके ग्रोथ को रोक दो. कैसे रोकेंगे? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, CCI के थ्रू. झेपा क्या बात, क्या बोल रहा हूं. चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, फिर बात आती है कि गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी पॉलिसी भी बनाई हुई है, है ना. तो गवर्नमेंट ने बेटा ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं जो निगरानी रखता है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ताकि जो है सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन कर सके, यूनिफॉर्म वे में फंक्शन कर सके, है ना. सो जैसे बैंकों के हरकतों पर निगरानी रखने के लिए हमने RBI को बनाया, स्टॉक एक्सचेंज के हरकतों पर निगरानी रखने के लिए SEBI को बनाया, इंश्योरेंस कंपनी के हरकतों पर निगरानी रखने के लिए हमने IRDA को बनाया. अगली बात आती है बेटा फैसिलिटेटिव पॉलिसी. बोलते हैं ऐसी पॉलिसीज जो किसी एक्टिविटी को ग्रो करने में हेल्प करे, ऐसी पॉलिसीज जो किसी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करे, उन पॉलिसीज को बोलते हैं फैसिलिटेटिव, या इसे डेवलपमेंटल पॉलिसी भी बोलते हैं. MCQ आएगा, द फॉर्मेशन ऑफ NSDC, फॉर्मेशन ऑफ NSDC इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटिव पॉलिसी. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रहा था, लोगों में स्किल्स डेवलप कर रहा था जिससे उनको आसानी से जॉब मिले. तो ऐसी पॉलिसीज जो किसी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करती है उसे क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी. समझो अगर गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे ये लोग ग्रो कर सके, तो क्या हो जाएंगी, फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी. झेपा गया, जल्दी बताइए, क्या बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए फास्ट गाइस, कम ऑन, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट,
फिर बात आती है कि 1991 में बेटा ऐसा है ना, हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, एंड देन 1991 में ऐसा समय आ गया कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के, है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अ फोर्टनाइट, सिर्फ और सिर्फ फोर्टनाइट के या 15 दिन के ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बचे हुए थे। मतलब अगर हमने अब 15 दिन में कुछ भी नहीं किया तो हमारे जो है इंडिया की खाने के भी वांदे हो सकते हैं। तो तब जाके हमारे श्री मनमोहन सिंह जी आए एंड उन्होंने बेटा लेके आ गए क्या बताइए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, जिसे बोला था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आगे बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अब आगे की बात है, यही है हमारे, प्लीज ध्यान देंगे यहां पे। यस, सबसे पहले क्या है बताइए, हाँ सबसे पहले जो है, प्लीज ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या हुआ यहां पे, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूविंग और लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। जिस जिस सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, जबरदस्ती बहुत ज्यादा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, जबरदस्ती ज्यादातर डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे तब जाके ही आप बिजनेस चालू कर पाओगे, जबरदस्ती अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस लगा के रखे हैं कि लाइसेंस ले तो बिजनेस चालू कर पाओगे, ये जो अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे बहुत सारे सेक्टर्स में, उनको कम किया, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन को कम किया, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, इसे क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन करना, चीजों को फ्री करना, चीजों को फ्रीडम, चीजों में फ्रीडम देना, इसे क्या बोलते हैं, लिबरल करना, लिबरलाइजेशन करना, जेपी क्या बात है, चल है ना। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहले प्राइवेट सेक्टर के पास बिजनेस करने की उतनी फ्रीडम नहीं थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के वजह से इनको क्या बताइए, फ्रीडम मिल गई। जेपी के बाद बताओ फास्ट जल्दी से, है ना। आगे नेक्स्ट देखेंगे, आगे नेक्स्ट बात देखेंगे बेटा, प्लीज नेक्स्ट बात देखेंगे बेटा, प्लीज चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे। फिर बात आई कि बस इसमें इतना ही है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो पहले गवर्नमेंट के ही सारे हाथ में थे, ऐसे 18 सेक्टर्स थे जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में थे, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यार नहीं, कि अब हम इस 18 में से सिर्फ 3 सेक्टर ही हम अपने पास रखेंगे, बाकी के सारे सेक्टर्स में प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि लिबरलाइजेशन करने के बाद भी ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखे हैं, बताइए। तो लिबरलाइजेशन करने के बाद भी गवर्नमेंट ने बोला कि रेलवे सेक्टर में तो हम ही रहेंगे, एटॉमिक एनर्जी वाले सेक्टर में तो हम ही रहेंगे, और कौन सा बताइए, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, थर्ड वाला कौन सा है, फास्ट, थर्ड वाला कौन सा गाइस, फास्ट बताएंगे, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड नहीं मेंटी नहीं है बेटा, है ना, एंड क्या बताइए, डिफेंस, हाँ डिफेंस, वेरी गुड। तो रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, मतलब मिलिट्री वगैरह, ये सारे, ये जो तीन रहेंगे ये गवर्नमेंट के अंतर्गत ही रहेंगे, बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, इट इज अ मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस। तो किसी गवर्नमेंट कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना। ये सबसे पहले बेटा यूके में, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में एक प्राइम मिनिस्टर थी बेटा जिनका नाम था मिसेस मार्गरेट थैचर। इन्होंने सबसे पहले ये प्राइवेटाइजेशन वाली हरकत की थी, इन्होंने एक गवर्नमेंट कंपनी को क्या किया था, प्राइवेटाइज कर दिया था, है ना। तो बोले थे कि वहां से ये कॉन्सेप्ट इंडिया वालों ने भी बाद में यूज किया कि इंडिया में भी कुछ ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस में चल रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी थी, है ना, बहुत ज्यादा ही खर्चा लगता था सारे काम करने में और उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही थी ऑर्गेनाइजेशंस, और हमें पैसों की भी जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ऐसे और ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जो लॉसेस में चल रही हैं, जो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हैं, चलो इसे बेच देते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। लेकिन इसमें हुआ क्या बेटा कि इंडिया में जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि यार हमको लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होना, हमें तो प्रॉफिट वाली कंपनी दे दो। अरे गवर्नमेंट अपनी लॉस वाली क्यों दे, प्रॉफिट वाली दो ना। तो बहुत ज्यादा आसानी से नहीं हो पाया ये, फिर भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया, जितनी ज्यादा ये लॉस मेकिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज कर पाए उन्होंने ट्राई किया, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू आता है बेटा, फोर टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन
चार टाइप क्या है सुनेंगे, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसप्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। आपको एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, है ना, नॉट अ टाइप ऑफ, क्या बताएं, नॉट अ टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आपको क्वेश्चन में होगा डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसप्लेसमेंट, एक ऑप्शन होगा डेडिकेशन। क्या डेडिकेशन एक प्राइवेटाइजेशन का टाइप है क्या? नहीं है, याद रहेगा, बताइए फास्ट जल्दी से, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आगे सर डी रिजर्वेशन कहां आएगा? तो डी रिजर्वेशन जो है लिबरलाइजेशन के अंदर आएगा, ठीक है अंशिका। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, चलो ध्यान दीजिए, अब यहां पे ध्यान देंगे, बोलते हैं डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसप्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। अब सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है, सुनेंगे ध्यान से। यस गाइस, क्या आवाज आ रही है बताइए, क्या आवाज आ रही है वापस से प्लीज, क्या आवाज आ रही है? चलो डन, ठीक है अब ठीक है। चलो सुनो, बात ध्यान से सुनो, बोलते हैं चार टाइप के प्राइवेटाइजेशन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा, वो है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट लगे तो मैं इसको पूरा कैप्स में लिखता हूं ताकि आपको स्पेलिंग भी समझ में आए, डाइवेस्टमेंट है ना। और दूसरा होता है बेटा डिसइन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में बेटा बोला जाए सेलिंग अ पोर्शन, अगर गवर्नमेंट अपने कंपनी का एक पोर्शन बेच रही है बस, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पे जनरली जो है अप टू 50% शेयर्स ही बेचे जाते हैं। मतलब क्या? 50% या कम। मतलब अगर किसी कंपनी के हमने 50% शेयर बेच दिए, तो अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी के 50% शेयर हमने किसको दे दिए? प्राइवेट कंपनी को, तो डिसइन्वेस्टमेंट है कि डाइवेस्टमेंट है? अगर हमने किसी गवर्नमेंट कंपनी का 50% शेयर दे दिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है कि डाइवेस्टमेंट है? ये डिसइन्वेस्टमेंट में आएगा, समझा? ये डिसइन्वेस्टमेंट में आएगा। हाँ बेटा, जो भी ऐसे, कृपया करके बेटा प्लीज ऐसे कुछ भी नाम लिख के अपने चैट बॉक्स में ना आइए, ठीक है? अपना जो आप गूगल में जो नाम लिखते हैं, कृपया करके अच्छा नाम लिखे, जो आपका रियल नेम है वो लिखे। कुछ भी चीजें हम नाम लिख के आते हैं अच्छी बात नहीं है। चलिए वापस आएंगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 50% हमने सेल किया, हमने 50% क्या किया बताइए? सेल कर दिया हमारे गवर्नमेंट कंपनी को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया, तो क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। 50% या उससे कम किया तो डिसइन्वेस्टमेंट। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है बेटा सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी का हम मेजॉरिटी स्टेक बेच रहे हैं, हम गवर्नमेंट कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेच रहे हैं, तो फिर क्या बोलोगे? तो डाइवेस्टमेंट। तो यहां पे क्या होता है? मोर देन 50%। क्या झेपरी है, क्या बातें, क्या बातें समझ मारी, बताइए फास्ट जल्दी से, वेरी गुड। इसको याद रखेंगे, वापस आएंगे। चलिए, सो ये बात हो गई, बताइए डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में क्या है? सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है? सेलिंग अ पोर्शन, याद रहेगा। नेक्स्ट, फिर बात आती है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब बेटा क्या? सौंपना। डेलीगेशन में क्या होता है? जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सौंप देते हैं। डेलीगेशन में क्या होगा? मेजर जो कंट्रोल है कंपनी का वो गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन कुछ हमारे काम होंगे जो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सौंप देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन करना। सो गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसे जनरली हम फ्रेंचाइजी या कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट के थ्रू गवर्नमेंट जो है परमिशन देता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर बात आती है डिसप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले के जमाने में बेटा टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही हुआ करता था, है ना। मतलब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सिर्फ BSNL एंड MTNL, ये दोनों ही गवर्नमेंट कंपनीज है, इनका ही पूरा राज था, पूरा 100% मार्केट शेयर किनके पास था? इन लोगों के पास ही था। लेकिन जैसे ही क्या बताइए,
हाँ जैसे ही बेटा क्या हुआ, जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, डीरेगुलेशन हुआ इस सेक्टर में, हमने बोला कि यार चलो चलो प्राइवेट सेक्टर वालों अब तुम भी आ जाओ। पहले से गवर्नमेंट ही था पर बाद में प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसके अंदर आना चालू हुए। क्या याद आ रहा है हमने कल पढ़ा था कि एयरटेल का इनकॉर्पोरेशन ईयर था 1995, तो 1991 में ये एलपीजी होने के बाद ही एयरटेल कंपनी जो है बेटा क्या हुई, वो आई टेलीकॉम सेक्टर में। और जब एयरटेल आई तो पहले गवर्नमेंट का 100% था यहाँ पे मार्केट शेयर, ये कम हो गया। और ये एग्जाम्पल के तौर में समझो कि ये हो गया 60%, ये हो गया 40%। इससे क्या हो बेटा कि एयरटेल ने मार्केट में आके क्या कर दिया, BSNL एंड MTNL के कुछ मार्केट शेयर को डिसप्लेस कर दिया। झेपा क्या बात है। सो डिसप्लेसमेंट जो है वो डी रेगुलेशन के वजह से होता है। तो पहले क्या रेगुलेशन था कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंपनी चलेगा, पर जब हमने ये रेगुलेशन को हटाया, जब डी रेगुलेशन किया यहां पे, तो प्राइवेट कंपनीज आ गई इस मार्केट में एंड उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी के मार्केट शेयर को डिसप्लेस कर दिया। इसे बोलते हैं डिसप्लेसमेंट करना। चलिए वापस आएंगे तो बोलते हैं, हाँ तो बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिसप्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। इसे क्या बोलेंगे, डिसप्लेसमेंट करना। ठीक है, बोलते हैं सर डेलीगेशन का एग्जाम्पल दो, तो मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ रेलवेज का। जैसे रेलवे के केस में अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन जैसे साफ सफाई का काम हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सौंप दिया है, तो ये डेलीगेशन में आ सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आता है बेटा FDI। FDI का मतलब क्या है, बोलते हैं कि जब हमारे इकोनॉमी में बाहर से पैसा आता है, जब फॉरेन के लोग, फॉरेन की कंपनीज, फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए, उसे बोलते हैं FDI करना। उसे क्या बोलते हैं, FDI करना। मतलब कि बेटा प्लीज ध्यान से सुनेंगे, कुछ बता रहा हूं। जब समझ लीजिए यूएसए में है ना, यूएसए में एक कंपनी है, आप सबको पता है अरकनसास यूएसए में है बेटा वॉलमार्ट। अगर वॉलमार्ट इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, वॉलमार्ट जो है बेटा अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो इंडिया में अपने खुद का ब्रांच ओपन कर सकता है, इंडिया में वो खुद का ब्रांच ओपन कर सकता है, या तो भैया ये इंडिया में क्या करेगा, या तो ये इंडिया में क्या करेगा, इंडिया की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, इंडिया में क्या करेगा वो, इंडिया की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, इस एग्जिस्टिंग कंपनी में मेजोरिटी स्टेक खरीद लेगा। तो क्या फ्लिप वॉलमार्ट ने दोनों चीज की, हाँ वॉलमार्ट ने अपनी दुकानें भी खोल दी इंडिया में एंड साथ ही साथ उसने एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के अंदर जो है मेजोरिटी स्टेक 77% शेयर्स खरीद लिए। तो जब बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो फिर क्या बोलेंगे, FDI करना। झेपा गया। इसमें MCQ आता है कि द परमिशन फॉर FDI इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर। ये ट्रू है या फॉल्स है, परमिशन फॉर FDI इज नॉट ट्रू, सॉरी परमिशन फॉर FDI इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है बताइए, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सर इसका मतलब क्या है ना, बोलते हैं परमिशन फॉर FDI हर एक सेक्टर में सेम नहीं है। अब एग्जाम्पल समझिए बेटा कि मैं एक सेक्टर ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर एग्जाम्पल ले रहा हूं, दिल पे नहीं लेना है। समझो अगर इस पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसमें 51% FDI ही अलाउड करेंगे, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा प्लीज दिल पे नहीं लेंगे, ऑनलाइन चेक नहीं करना है कितना लिमिट है, मैं आपको समझा रहा हूं इस लिमिट का मतलब क्या है। समझो इस टेलीकॉम सेक्टर में 51% लिमिट है FDI की। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया में किसी को टेलीकॉम कंपनी चालू करनी है, तो उस टेलीकॉम कंपनी के अंदर अप टू 51% जो है पैसा वो फॉरेनर का चलेगा, लेकिन बाकी का जो 49% का पैसा होगा वो इंडियंस का ही होना चाहिए। झेपा गया। अगर किसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें हम 25% FDI ही अलाउ करेंगे, मतलब क्या कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट चाहता है कि फॉरेनर्स का पैसा जो है वो अप टू 25% होना चाहिए, लेकिन रिमेनिंग जो 75% पैसा होगा वो इंडियंस का होना चाहिए। क्या झेपरी क्या बातें। तो अलग 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 सेक्टर में
अलग अलग परमिशन है एफडीआई की, क्या करेक्ट बात है? बिल्कुल। तो परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग परमिशन दी गई है एफडीआई करने की। जेपा के बाद चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं दो रूट होते हैं इंडिया में एफडीआई करने के। इंडिया में एफडीआई करने के दो रूट्स हैं। पहला है बेटा गवर्नमेंट रूट, जिसमें प्रायर परमिशन आपको लगती है गवर्नमेंट की। दूसरा होता है बेटा ऑटोमेटिक रूट। वापस से एमसीक्यू आता है। दो रूट्स होते हैं इंडिया में एफडीआई करने के, पहला है गवर्नमेंट रूट बेटा, दूसरा क्या है ऑटोमेटिक रूट, है ना? ध्यान देंगे, हाँ प्लीज ध्यान देंगे बेटा। तो यहां पे जो है ये दो रूट्स है, इस पे पहले एमसीक्यू आता है। तो इंडिया में एफडीआई करना है तो या तो आप गवर्नमेंट से पूछ के आओ, या ऑटोमेटिकली कुछ सेक्टर्स में आपको परमिशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट रूट या ऑटोमेटिक रूट। लेकिन ऑटोमेटिक रूट में भी क्या होता है बेटा, चूंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है तो आपको आरबीआई का तो परमिशन लेना ही पड़ता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो बोलते हैं कि बहुत बार गवर्नमेंट रूट से भी आप अंदर नहीं आ पा रहे बिजनेस करने के लिए, आप ऑटोमेटिक रूट से भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। सो जब आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर आप जा सकते हैं FIFP के पास। ये अमेंडमेंट है बेटा लेटेस्ट वाला, कि अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी अगर आपको अप्रूवल ना मिले एफडीआई करने के लिए, तो आप FIFP मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, इसके पास जाके अर्जी लगा सकते हैं। अरे FIFP मुझे कहीं से परमिशन नहीं मिल रही, प्लीज इंडिया में एफडीआई करने दो ना, तो इसको लगेगा तो ये आपको परमिशन दे देगा। FIFP फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल याद रहेगा, प्लीज बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे, क्या प्लीज क्या आगे बढ़ेंगे? यस गाइस, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आ जाओ। चलो डन, चलो नेक्स्ट बात आते हैं बेटा प्रोहिबिशन की लिस्ट। कौन से सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है बेटा, सुनने के बाद ध्यान से, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है तो सुनेंगे। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है बेटा, प्रोहिबिटेड इसका मतलब होता है नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, कौन से सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड नहीं है? अगर क्वेश्चन में आया तो कि कौन से सेक्टर में एफडीआई परमिटेड है, परमिटेड अगर परमिटेड लिखा है तो क्वेश्चन में, तो मतलब कौन से सेक्टर में एफडीआई अलाउड है। झेपा क्या बात क्या बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन में आया प्रोहिबिटेड मतलब कहां पे अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में आया परमिटेड मतलब कहां पे अलाउड है। इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, परमिटेड को ऐसा भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, कहां पे प्रोहिबिटेड नहीं है, कहां पे प्रोहिबिटेड मतलब कहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पे परमिशन दी है मतलब। एंड इसको लिख, प्रोहिबिटेड को लिख सकते हैं नॉट परमिटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको पहली बात क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पहली बात क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। झेपा क्या बात, चलो अब यहां पे देखेंगे। बोलता है कि अटोमिक एनर्जी, दनादन पढ़ेंगे, अटोमिक एनर्जी लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बेटिंग, चिट फंड का बिजनेस है ना, 25 दिन में पैसा डबल है ना, लक्ष्मी चिट फंड, ये सारे बिजनेसेस में एफडीआई अलाउड नहीं है। निधि कंपनी है ना, आप ये लॉ में पढ़ते हैं, ये ऐसी कंपनीज होती है विच आर डेवलप्ड फॉर, ताकि लोगों के अंदर जो है थ्रिफ्ट की आदत है। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब क्या, स्मॉल सेविंग्स। तो निधि कंपनी में क्या करते हैं लोग, अपने अपने जो पैसा वो सेव करते हैं वो जाके निधि कंपनी के पास डिपॉजिट करते हैं, एंड देन बाद में वहां से लोन्स वगैरह ले सकते हैं, है ना, वो पैसा बाद में यूज कर सकते हैं। तो अटोमिक एनर्जी लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, इसमें बाहर वाले इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते, इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन लेकिन भाई साहब फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें एफडीआई अलाउड है। झेपा गया, एग्रीकल्चर, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा है तो प्रोहिबिटेड, अगर लिखा है फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री तो बोलेंगे परमिटेड। झेपा गया, फिर प्लांटेशन एक्टिविटी,
प्लांटेशन एक्टिविटी में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर लिखा है टी प्लांटेशन, अगर लिखा है टी प्लांटेशन तो टी प्लांटेशन में अलाउड है, प्लांटेशन लिखा सिर्फ प्लांटेशन लिखा तो अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन लिखा टी प्लांटेशन तो अलाउड है, एफडीए अलाउड है। नेक्स्ट, फिर हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में बेटा क्या बताइए, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में अलाउड अलाउड नहीं है, लेकिन अगर इसमें आप बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप वगैरह तो उसके लिए अलाउड है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इसमें अलाउड नहीं है। देन सिगार्स, शीरूट्स, सिगारिलो, सिगरेट्स, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स में भी बाहर वाले इंडिया में आके एफडीआई अलाउड नहीं है। झेपा के बात है, प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिस्ट, इस पे एमसीक्यू बनता ही बनता है एक, राइट। एंड फाइनली आप आखिरी देखेंगे जल्दी से कि बोलते हैं एफआईआई क्या होता है। देखो समझो बात को, जब बाहर वाला कोई कंपनी या इंडिविजुअल इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो जब उस केस में जब डॉलर्स आते हैं ना, मतलब देखो जब बाहर से इंडिया में, जब समझो यूएसए से इंडिया में पैसा आ रहा है एफडीआई पर्पसेस के लिए, तो यूएसए वाला क्या करेगा, डॉलर देगा इंडिया वालों को और इंडिया में बिजनेस चालू करेगा। तो एफडीआई के लिए जब पैसा आता है ना बेटा, जनरली ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, तो ये जनरली लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होता है। तो एफडीआई से जो पैसा आता है ना बेटा, वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में ही पड़ा रहता है, लेकिन बेटा जो पैसा इंडिया में एफआईआई के रूट आता है, एफआईआई होता है बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, आपको एमसीक्यू पूछेगा, जैसे कि ब्लैक रॉक बोलेगा, ब्लैक रॉक एक बहुत फेमस म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसने इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्यों खरीदे शेयर्स, बोलता है स्पेक्युलेशन पर्पस के लिए। स्पेक्युलेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए ही उसने शेयर खरीदे हैं। तो आज शेयर खरीदेगा, एक दो महीने में जैसे ही प्रॉफिट होने वाला होगा ना, दन्न से शेयर बेच के वापस आ जाएगा। तो एफआईआई के थ्रू जो डॉलर इंडिया में आते हैं, वो आते तो हैं पर दन्न से वापस भी चले जाते हैं, झेपा गया। तो इसलिए एफआईआई से जो पैसा आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही इंडिया में रहता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि एफडीआई से अगर पैसा आए ना तो वो ज्यादा समय के लिए रहेगा, तो इसलिए जनरली गवर्नमेंट को क्या बताइए, गवर्नमेंट जनरली प्रेफर क्या प्रेफर करते हैं, सस्टेनेबल एफडीआई ओवर एफआईआई। तो गवर्नमेंट्स को जनरली एफडीआई ज्यादा पसंद आता है एज कंपेयर टू एफआईआई, क्योंकि एफडीआई से जो पैसा आता है वो लंबे समय के लिए होता है। एंड आखिरी टॉपिक है आउटवर्ड एफडीआई, बोलते हैं कि बाहर वाले अगर इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं तो क्या इंडिया वाले बाहर नहीं जा सकते क्या, तो इंडिया वाले भी जब बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए, उसे आउटवर्ड एफडीआई बोलते हैं। बस इसमें आपको एग्जांपल दे, जैसे एयरटेल ने पैसा इन्वेस्ट किया है ना मॉरिशियस में, पीवीआर सिनेमाज ने पैसा इन्वेस्ट किया श्रीलंका में, है ना, सन फार्मा ने पैसा इन्वेस्ट किया बेटा कहाँ पे, चाइना में, एटसेट्रा, समझ पा रहा है। तो आउटवर्ड एफडीआई भी हो सकता है, बस इतना है और कुछ यहाँ पे है नहीं बेटा। बीसी के चैप्टर फोर बेटा खत्म हो चुका है, बीसी के चैप्टर को खत्म हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए, और आप देख सकते हैं 1 आवर से भी कम समय लिया है, 1 आवर से भी कम समय लिया है बीसी के चैप्टर 4 को करने के लिए। चलिए, सो बीसी के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, आइए देखेंगे। बोलते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन पैसा प्रोवाइड नहीं करते, उनको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते, उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो ग्रो कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन पैसा प्रोवाइड नहीं करते, इन्हें बोलते हैं नॉन फंडिंग या रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को पैसों के रूप में हेल्प करते हैं, इसे बोलते हैं फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि नाबार्ड। समझा गया, चलो सबसे पहले बात इसमें आती बेटा कि बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स ये पूरे सिस्टम का नाम है, बोलते हैं द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स
दैट इज द डूइंग ऑफ बिजनेस, वो सारे टाइप का, वो सारा अरेंजमेंट जिसके थ्रू बिजनेस करने का काम हमारा आसान हो जाता है, वो सारी चीजें बिजनेस फैसिलिटेटर्स के अंदर आ जाती है। इसमें होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ऑक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयरहाउसिंग कंपनी, ये आपके बिजनेस को डेली बेसिस पे हेल्प करते हैं। तो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर एक टाइप का बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, ऑक्सिलरी या एड टू ट्रेड। दूसरा होता है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमारे कंपनीज के साथ डे टू डे बेसिस पे क्या बताइए, हमें हेल्प करते हैं बिजनेस में, ये भी है ना। तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चार एग्जाम्पल दिए हैं। फ्रेट फॉरवर्डर, बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड मर्चेंडाइजर। फ्रेट फॉरवर्डर कौन होता है, बोलते हैं कि ये जैसे कि मेरा नाम बेटा क्या बताइए, मैं आप सबको पढ़ाता हूँ सीए का, है ना। समझो मैंने अगर कल जाके बुक्स प्रिंट की, तो क्या होगा, दनादन सब लोग अलग अलग सिटीज से इसका ऑर्डर करना चालू कर देंगे मेरी बुक्स। अब मैं ये मेरी बुक्स को उन लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, तो मैं फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करता हूं, उनको बोलता हूं यार देखो ये मेरी बुक्स है, ये अलग अलग जगह पे भेजनी है, अब तुम देखते बैठो कौन से कुरियर सर्विस के थ्रू भेजना है। तो फ्रेट फॉरवर्डर खुद कुरियर कंपनी नहीं है, फ्रेट फॉरवर्डर मुझे हेल्प करेगा कुरियर कंपनी को चुनने में, और वो खुद मेरी शिपमेंट करवा के देगा। झेपा क्या बात है। तो फ्रेट फॉरवर्डर इज अ पर्सन और अ कंपनी हु ऑर्गेनाइजेस द शिपमेंट, ये खुद नहीं भेजता, ये खुद गुड्स को नहीं भेज रहा है, पर इसका नेटवर्क होता है, इसका सेटिंग होती है बाकी शिपिंग कंपनीज के साथ। तो ये देखता है कि कहां पे सबसे सस्ता पड़ सकता है, उसके थ्रू भेज दो भैया माल और जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। तो ये हमें लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रेट फॉरवर्डर। फिर आता है बिजनेस इनक्यूबेटर एंड बिजनेस एक्सेलरेटर, बोलते हैं कि जब हमारा बहुत ही यंग स्टार्टअप होता है, बहुत ही यंग बिजनेस होता है, तो उसे ग्रो करने में हमें काफी ज्यादा अलग अलग टाइप की हेल्प लग सकती है। तो बिजनेस इनक्यूबेटर हेल्प करते हैं यंग बिजनेसेस को ग्रो करने में, तो उन्हें जो भी फाइनेंशियल या टेक्निकल हेल्प लगेगी वो प्रोवाइड की जाती है बिजनेस इनक्यूबेटर के थ्रू। बिजनेस एक्सेलरेटर क्या करता है, बिजनेस एक्सेलरेटर जो है, अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसी प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करना चाहते हैं, सो जो भी यंग बिजनेसेस होते हैं, अगर वो अपने प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करने में हेल्प कौन करता है, बिजनेस एक्सेलरेटर। नेक्स्ट होते बेटा फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो कि आप और मैं हैं। हम लोग कौन है, हम लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है ना। सो मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो सीए के पास आता है। सीए पैसा नहीं देगा, लेकिन सीए उनको कंसल्टेंसी देगा, सीए उनको एडवाइस देगा कि कहां से पैसा तुम ला सकते हो, कौन सी बैंक में अप्लाई करना चाहिए, क्या स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू करके पैसे लाने चाहिए। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है, क्या बताइए, ये खुद पैसा प्रोवाइड नहीं करते, ये क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं कि तुम्हें पैसा कहां से मिल सकता है। झेपरी के बाद बताइए फास्ट। नेक्स्ट फिर आता है बेटा मर्चेंडाइजर, जैसे कि बेटा मनीष मल्होत्रा, तो करण जौहर जब मूवीज बनाता है तो मनीष मल्होत्रा उसको क्या देता है, एडवाइस देता है कि कहां से वो अपने, है ना, सारी चीजें ला सकते, जैसे कि फैब्रिक्स, है ना, कपड़े वगैरह कहां से ला सकते हैं, एक्सेसरीज, जो एक्टर्स वगैरह चश्मे पहनेंगे, वॉचेस पहनेंगे, वो एक्सेसरीज कहां से ला सकते हैं। तो अ पर्सन हु हेल्प्स द बिजनेसेस सच एज अ फैशन हाउस टू ऑब्टेन इट्स सप्लाई, वो कौन होते हैं, मर्चेंडाइजर। खत्म। चलो तो हमने दो टाइप देख लिए बिजनेस फैसिलिटेटर्स के, दो टाइप देख लिए, एक क्या होते हैं हमारे ऑक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड, दूसरे क्या होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, तीसरे क्या होते हैं, तीसरे होते हैं बेटा फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो फंडिंग एंड नॉन फंडिंग मतलब क्या, यही वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात देखेंगे इसमें। अगली बात है कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में भी कोई बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, मतलब कौन, बोलते कि देखो जैसे हमारा क्लाइंट, मतलब ऐसे लोग जिनको पैसों की जरूरत है, वो हमारा क्लाइंट होता है, वो जो है बिजनेस फैसिलिटेटर इन फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब जैसे सीए, ये एक बिजनेस फैसिलिटेटर है इन फाइनेंशियल सेक्टर। जिस व्यक्ति को पैसा चाहिए ना, तो बहुत बार उसे पता नहीं चलता कि हम बैंक्स के पास डायरेक्टली कैसे जाएं,
कैसे जो है हम क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या बनाना चाहिए हमें आइडिया नहीं रहता है, तो ये पहले सीए के पास जाते हैं, ये इसको हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ों में, एंड फिर ये इसको जो है बैंक से लिंक करके देते हैं। तो क्या ये बिजनेस फैसिलिटेटर खुद पैसा दे रहा है क्या इनको? नहीं, ये पैसा नहीं दे रहा। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या कर रहा है? महज महज बेटा ये जो व्यक्ति है क्या कर रहा है, ये क्लाइंट्स को एंड बैंक्स को बस मिलाने का काम करता है, इन दोनों को मिलन का काम करता है, इन दोनों को लिंक कराने का काम करता है। क्या बात समझ मारी? अब जो बैंक्स होते हैं जो एक्चुअल में पैसा प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं बिजनेस करस्पोंडेंट्स। तो ये लोग हैं जो एक्चुअल में पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट बोलता है कि इन लोगों पे इसलिए ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। सो बिजनेस करस्पोंडेंट्स आर जनरली मोर क्लोजली रेगुलेटेड देन बिजनेस फैसिलिटेटर्स, क्योंकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं, उन पे ज्यादा निगरानी की जरूरत नहीं। जो पैसा दे रही है बैंक्स वगैरह उन पे निगरानी रखो कि बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर आता है गवर्नमेंट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। बोलते हैं गवर्नमेंट ने भी बेटा ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज अपने जमाने में बनाई हुई है जिससे बिजनेसेस ग्रो कर सके। जैसे 1947 के बाद हमारे इकोनॉमी में जो है ना मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थी, तो हम चाहते थे कि हमारे इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ग्रो कर सके। तो इसके लिए क्या किया बताइए गवर्नमेंट ने, क्या किया बेटा इसके लिए? जो है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके लिए गवर्नमेंट ने बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जिससे क्या बताइए, जिससे जो है हमारे इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाई, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे भी काफी हेल्प बनी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, ठीक है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट फिर आता है, ध्यान देंगे, बोलता है कि हमारे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन को ही मैं बोलता हूँ रेगुलेटरी बॉडी, वापस से नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को ही मैं बोलता हूँ बेटा रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि आरबीआई, सेबी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इसमें कुछ ऐसे होते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर्स, जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर से के कंपनीज जो है इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनीज हैं उन पे निगरानी रखेगी। जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर निगरानी रखेगी। समझ वाली बात है क्या बोल रहा हूँ? यस। सो हमें जो है यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे जो है बेटा इन चारों के बारे में पढ़ना है, हम ट्राई के बारे में इसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन्हें हम नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, दे डू नॉट इन्वेस्ट इन द बिजनेस। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे। जेपी क्या बात है, आपको एमसीक्यू आ सकता है गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिससे बिजनेस को और प्रमोट, बिजनेस और प्रमोट हुए हमारे कंट्री में, है ना। गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे बिजनेसेस फैसिलिटेट हुए हमारे इकोनॉमी में, तो बोलेंगे मेक इन इंडिया, देन स्टार्टअप इंडिया, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिससे हमारे इकोनॉमी में बिजनेसेस ग्रो हो पाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर आता है बेटा जल्दी से देखेंगे। तो चार टाइप के हमें यहाँ पे नॉन फंडिंग, या इसे क्या बोलेंगे, वापस से इसे क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, नॉन फंडिंग या रेगुलेटरी बॉडीज हमें चार प्रकार की पढ़नी है, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, IRDA, है ना। चलो बात करेंगे जल्दी से आरबीआई की। बोलते हैं एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू वाले पॉइंट देख रहे हैं। सबसे पहले आरबीआई जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन ये कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था बेटा आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। वापस से आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935, लेकिन कौन से एक्ट, कौन से लॉ के थ्रू ये एस्टैब्लिश हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देन ये पहले बेटा ये चूंकि ब्रिटिशर्स के समय बनाया गया था, तो इसको जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो 1949 में इसको नेशनलाइज कर लिया गया, एंड अब ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसका सेंट्रल ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है,
इसका सेंट्रल ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। अब मैंने आरबीआई की बेटा बिल्डिंग बना दी, तो क्या ये आरबीआई की बिल्डिंग अपने आप काम करना चालू कर देंगी क्या? नहीं, हमें यहाँ पे कुछ लोग भी लगेंगे ना जो डिसीजन वगैरह लेंगे। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू चलता है जो सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठेगा ये अपॉइंट करता है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बेसिक समझ में आ गया? नेक्स्ट, आरबीआई का क्या रोल है इकोनॉमी में? बहुत ही चिल्टू बातें हैं। ये एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, सारा मनी करेंसी नोट्स वगैरह बनाने का काम इसी का है ना। इकोनॉमी में मनी सप्लाई स्टेबल रहना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के ऊपर है। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना किसका काम है? आरबीआई का काम है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट को एडवाइस भी दे सकता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने के लिए। कभी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है किसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आरबीआई से बंदा जाता है वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना। आरबीआई जो है ये कमर्शियल बैंक्स को भी काफी ज्यादा एडवाइस, उनको काफी ज्यादा उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाता है। आरबीआई जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखता है, कैसे? मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू। एंड आरबीआई जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग, गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग का काम आरबीआई करता है। नेक्स्ट, फिर बात आती है बेटा फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बोलता है सबसे पहली बात आप सबको बताएं, पहला फंक्शन कि आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। कोई अगर इंडिया में करेंसी जब इशू होती है तो आरबीआई ही वो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, हमारे इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुका है तो हमें मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करता है? दन्न से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे ना तो बैंक वाले भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिससे अब इकोनॉमी में लोग लोन्स कम लेना चालू कर देंगे। तो इकोनॉमी में क्रेडिट मनी, जो लोन से पैसा आने वाला था, वो कम होना चालू हो जाएगा, जिससे जो है मनी सप्लाई फ्यूचर में जाके कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। तो क्रेडिट को भी कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है। और क्रेडिट को कंट्रोल करके आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। समझ में आ रही बात है? बोलते हैं कि इसमें दो मेथड्स होते हैं, बेटा एक होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड ऑफ या क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। बोलता है ऐसी पॉलिसी, सुनेंगे ध्यान से, बोलता है बेटा ऐसे मेजर्स जो सारे सेक्टर की फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज बेटा, ऐसी क्रेडिट पॉलिसी जो सारे सेक्टर की फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। जैसे कि SLR, CRR, बैंक रेट को अगर चेंज किया तो इससे सारे इकोनॉमी में हर एक सेक्टर की फंड अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमने आरबीआई ने ऐसी क्रेडिट पॉलिसी बनाई जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर के, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे, तो उसे बोलेंगे क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। इसी का बेटा दूसरा नाम होता है सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्या याद रहेगा? MCQ आ सकता है। क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे, इसे सिलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला, जैसे कि आरबीआई ने बोला कि बैंक वालों तुम्हें तुम्हारे टोटल लोन्स का 20% लोन MSME को बांटना ही पड़ेगा। तुमको अपने टोटल लोन्स का 20% माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बांटना पड़ेगा। इससे क्या होगा? MSMEs को लोन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हर बैंक को मिनिमम 20% बांटने चाहिए। तो इससे क्या होगा? सिर्फ इनका फायदा होगा, सिर्फ इनकी फंड अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। तो जब पॉलिसीज बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे, इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। याद रहेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, और क्या है रोल बताइए आगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। इस पे MCQ आता है बेटा कि आरबीआई के पास पावर है बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर सकता है। तो आरबीआई कैन कलेक्ट एंड कंपाइल द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पर बेटा ये इंडिया के बैंक एंड इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का करेगा ना,
क्या आरबीआई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेटा को कलेक्ट कर सकता है क्या? क्या बेटा आरबीआई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेटा को कलेक्ट कर सकता है? यस और नो मुझे बताएंगे फास्ट, क्या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर सकता है क्या? नहीं, तो एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा आरबीआई क्या नहीं करता, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेटा कलेक्ट नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला अगला पॉइंट है बेटा बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अगला क्या है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट बोलता है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जनरल बैंकिंग बिजनेस होते हैं वो सारा का सारा ट्रांजैक्शंस, जो जनरल ट्रांजैक्शंस होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारा का सारा आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर गवर्नमेंट को कोई नया लोन इशू करना है लोगों को तो वो भी आरबीआई करके देता है। अगर गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटीज बाइंग या सेलिंग करनी होती है तो आरबीआई करके देता है। ये आरबीआई जो है वो ऑपरेट करता है गिल्ट एज्ड मार्केट में। गिल्ट एज्ड मार्केट बेटा होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो गिल्ट एज्ड मार्केट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग करता है। समझ पा रहे? अच्छा, बहुत बार गवर्नमेंट को बेटा एडवांसेस की भी जरूरत होती है, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, तो आरबीआई बहुत बार गवर्नमेंट को एडवांस पे भी पैसा देता है। हाँ, पर आरबीआई बोलता है कि बेटा गवर्नमेंट देखो 90 दिन में पैसा वापस दे देना वरना फटके लगेंगे। और बहुत बार गवर्नमेंट जब कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है तो आरबीआई उनको एडवाइस भी देता है। अगला देखेंगे बेटा प्रमोशनल फंक्शंस। आरबीआई वो सारे फंक्शंस करता है जिससे लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स प्रमोट हो सके। पहले आरबीआई क्या करता था कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को सफिशिएंट फाइनेंस मिला या नहीं मिला ये इंश्योर करता था। क्या ट्रेड सेक्टर को, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको सफिशिएंट लोन मिल रहे हैं या नहीं, ये आरबीआई का काम था। क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को सफिशिएंट फाइनेंस, सफिशिएंट लोन मिल रहा कि नहीं, ये आरबीआई का काम था। लेकिन बाद में जब आरबीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए तो आरबीआई ने बोला यार देखो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को सफिशिएंट लोन मिल रहा कि नहीं, नाबार्ड ये तुम देखते बैठो। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोगों को सफिशिएंट लोन मिल रहा कि नहीं, एक्सिम बैंक ये तुम देखते बैठो। क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को सफिशिएंट फाइनेंस मिल रहा कि नहीं, सिडबी। सिडबी मतलब क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को सफिशिएंट लोन मिल रहा कि नहीं, सिडबी। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम देखते बैठो अब ये चीज। झेपा क्या बात, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा बैंकर्स बैंक, है ना। अब हजारों बार, कितना बोला मैंने बेटा, हजार बार बेटा क्या बताइए, ये एमसीक्यू आता है हर मॉक टेस्ट पेपर में छाप डाला इंस्टीट्यूट ने। क्या छाप डाला है हर मॉक टेस्ट पेपर में बेटा? छाप डाला है, यस, इन्होंने हर मॉक टेस्ट पेपर में छाप डाला है कि आरबीआई को पावर मिला है, आरबीआई के पास पावर है टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई जो है ये बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल एंड सुपरवाइज कर सकता है। कौन से लॉ के अनुसार, कौन से एक्ट के अनुसार? तो यहां पे दिया बेटा आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखेंगे आरबीआई को बेटा पावर दिया है बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने का, कौन से एक्ट के अंतर्गत? आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब चूंकि आरबीआई के पास बेटा ऐसे पावर्स दिए कि ये कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है कमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई बोलता है कि कमर्शियल बैंक्स देखो आपको जो है ना आपके जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, हाँ देखो सुनो बात ध्यान से, मैं क्या बना रहा हूं बैंक। बैंक वाले क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा लेते हैं डिपॉजिट्स पे, है ना, लोगों से पैसा लेते हैं डिपॉजिट पे। समझो लोगों से 100 रुपये डिपॉजिट पे ली, है ना, इसमें से यस अंशिका सुन लीजिए यहाँ पे प्लीज, इसमें से बेटा 70 रुपीज जो है वो है समझो डिमांड डिपॉजिट। मतलब क्या वो है, समझो सेविंग अकाउंट,
या करंट अकाउंट का पैसा है ना, तो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का पैसा मतलब क्या, ये ऑन डिमांड कभी भी ये डिपॉजिटर आके पैसा निकाल सकता है बैंक से, समझा बात है, ये समझो करोड़ की बात की कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पैसा कभी भी निकाल सकता, तो ये होता है डिमांड, क्या बताइए, डिमांड डिपॉजिट, चेपा बात है, या ये बैंक के नजरों से देखे, देखो इसके नजरों से डिमांड डिपॉजिट है, बैंक के नजरों से क्या है ये, ये बैंक के नजरों से बैंक की डिमांड लायबिलिटी होती है बेटा। अगर आप अगर बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपका करंट एसेट है, तो बैंक का लायबिलिटी है वैसे, और बाकी के 30 करोड़ जो है ना बेटा, वो क्या है समझो, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना, ये क्या बताइए, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मैच्योर होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही बैंक वाले को उसको रीपे करना है, तो ये चीज आ जाती है इसके टाइम लायबिलिटी में, तो ये बैंक की टाइम लायबिलिटी होती है। तो आरबीआई बोलता है कि हर एक कमर्शियल बैंक तुम्हें अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 20% अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, क्या बोला, अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 20% पैसा खुद के पास रखना चाहिए, खुद के पास रखना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, खुद के पास रखना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, झेपा क्या बात है, तो 20 रुपए जो है आप खुद के पास ही रखो लिक्विड फॉर्म में, कैश में, गोल्ड में, या ऐसे सिक्योरिटीज में रखो जो तुरंत कैश पे कन्वर्ट कर सको, है ना, तो इसे बोलते हैं SLR का रिक्वायरमेंट। एंड 4% पैसा जो है आप 4% पैसा जो, क्या बताइए, बैंक वालों बाकी का 4% जो पैसा है वो पैसा जो है आप RBI के पास रखो, तो ये पैसा रखना पड़ता है RBI के पास, तो वो है बेटा समझो 4 करोड़ रुपए, ये होता है CRR का रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशो का। अब बेटा MCQ आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, क्या बोलोगे, तो SLR इज एन इंडिकेटर ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, कि कितनी लिक्विडिटी है, ये कौन बताएगा, SLR। MCQ आएगा आपको कि CRR का जो रिक्वायरमेंट है ये RBI ने क्यों लेके आया, CRR का जो रिक्वायरमेंट है ये RBI ने क्यों लेके आया, बोलते हैं टू कंट्रोल द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री, तो क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करने के लिए RBI ने CRR वाला रिक्वायरमेंट लेके आया है। सर कैसे, बोलते हैं कि अगर समझो अगर इकोनॉमी में बेटा मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुका है तो क्या होता है, जब लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता ना तो दनादन वो चीजें डिमांड करते हैं, इतनी डिमांड करते हैं कि डिमांड सप्लाई से एक्सीड करना चालू हो जाता है, एंड हर एक चीज की प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाती है, एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना चालू हो जाता है, तो जब बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होता है तो इन्फ्लेशन आता है, तो आरबीआई बोलेगा बैंक वालों तुम्हारा CRR का रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। अब क्या करना पड़ेगा, बैंक वालों को ज्यादा पैसा यहां पर रखना पड़ेगा CRR में। अब जब बैंक लोन बांटेगी सामने, तो लोन बांटने के लिए पहले 76 रुपीज बचते थे, 76 करोड़ बचते थे, लेकिन अगर अब आरबीआई ने बोला कि देखो बैंक वालों तुम्हें अब ये 4% नहीं 6% पैसा यहां पर रखना है, तो यहां पे 6 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे अलग से, तो अब बचेंगे कितने लोन बांटने के लिए, अब लोन बांटने के लिए कम पैसा बचेगा, तो अपने आप धीरे धीरे मनी सप्लाई भी जो है इकोनॉमी में कम बचेगा, क्योंकि लोन्स अब कम बटेंगे, इसीलिए। क्या झेपी क्या बात है, बताइए फास्ट जल्दी से, ओके, क्या बात समझ में आ रही, बताइए फास्ट। चलो तो मैंने CRR SLR का भी आपको पॉइंट बता दिया है, ठीक है, चलो। सो इंडिकेटर ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी क्या है, SLR, है ना। देन SLR क्या करते हैं, ये बैंक्स को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन CRR जो है ये जो रिजर्व होता है ये बैंक वालों को RBI के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, समझ मारी बातें क्या बोल रहा हूँ, है ना। सो इट इज टू बी मेंटेन्ड विद RBI। क्या RBI CRR वाले पैसों पे इंटरेस्ट देता है बैंक को, नहीं देता, याद रखेंगे। चलिए वापस आएंगे, नेक्स्ट, हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे। तो क्या आपको पासन मारी कि RBI जो है शेड्यूल बैंक्स को बोलेगा कि देखो तुमको मिनिमम कैश रिजर्व रेशो
एसएलआर वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पावर है तुमको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने का, तो हम जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस पे एमसीक्यू आता है बेटा, कि इस पे एमसीक्यू आता है कि हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कस्टोडियन मतलब कौन, जो देखभाल करते हैं हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। झेपा गया। नेक्स्ट बात आती है बेटा, पहले के जमाने में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करके हुआ करता था। पहले के जमाने में बेटा एक्ट हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता था फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में, लेकिन बाद में बोला 1999 में ये लेके आ गए बेटा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एमसीक्यू आता है ये किस प्रकार की पॉलिसी है, ये किस प्रकार की पॉलिसी है, ये रेगुलेटरी है या रिस्ट्रिक्टिव है? ये रेगुलेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल है। याद रहेगा कि हमने जो है पहले जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखे थे उसको हटा दिए, अब निगरानी का काम करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करो लेकिन हम निगरानी रखेंगे आप पे कि बराबर चल रहे हैं या नहीं। तो फेमा जो है एक्ट, ये कब आया था? 1999 में। ये किस प्रकार की पॉलिसी है? रेगुलेटरी पॉलिसी है। ये दोनों बेटा एमसीक्यू आते हैं, ये दोनों बेटा एमसीक्यू आते हैं। चले वापस आएंगे आगे। नेक्स्ट फिर बात आती है आरबीआई कैसे बिजनेसेस को फैसिलिटेट करता है। तो बोलते हैं करेंसी पॉलिसी, करेंसीज वगैरह बना के, भैया करेंसी तो जरूरी है ना, एडिक्वेट मनी सप्लाई जरूरी है इकोनॉमी में, तब जाके तो बिजनेस कर पाएंगे। मालूम पड़ा कि बिजनेस करना चाहते हैं हम, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम, इम्पोर्ट करना चाहते हैं, पर इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर लगेंगे, डॉलर लाओ कहाँ से? तो आरबीआई के पास अवेलेबल होंगे तो ही तो कर पाऊंगा ट्रांजैक्शन, समझा? तो एडिक्वेट मनी सप्लाई इकोनॉमी में हमेशा मेंटेन होना चाहिए, आरबीआई ये इंश्योर करता है। क्रेडिट पॉलिसी बनाता है आरबीआई, है ना। तो अगर कभी आरबीआई को लगा कि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो ये ऐसे चेंजेस करेगा जिससे लोन्स बैंक वाले ज़्यादा बांटे, ये एसएलआर सीआरआर को रिड्यूस कर देगा। अगर आरबीआई को लगा कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसएलआर सीआरआर को बढ़ा देगा जिससे कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं आरबीआई, है ना। फाइनेंशियल सिस्टम के सारे रूल्स रेगुलेशन बेटा किसने डेवलप किए? आरबीआई ने डेवलप किए। फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म्स, आजकल आप क्या बताइए, डिजिटल पेमेंट्स करते हैं तो किसने ऑथराइजेशन दिया है आपको कि आप फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं? आरबीआई ने इसका ऑथराइजेशन दिया है, आरबीआई ने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, तब जाके ही आप आज कार्ड स्वाइपिंग या इंटरनेट पेमेंट कर सकते हैं। पहले के जमाने में सिर्फ पेपर बेस्ड मैकेनिज्म, आप नोट्स वगैरह दे के ही क्या ट्रांजैक्शंस करते थे, पर आजकल आप कार्ड स्वाइप करके या ऑनलाइन जो है पेमेंट करके करते हैं ट्रांजैक्शंस, जिससे बिजनेस करना काफी आसान हो चुका है। चलिए फिर बात आते हैं जल्दी से, ये बात होगी मेजर्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, एसएलआर सीआरआर हो गया है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। सिंपल भाषा में देखेंगे, अगर बेटा कभी भी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है और कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो बैंक जो है आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई को बोलती है बैंक मुझे पैसा दो ना। तो जब बैंक को आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो आरबीआई पैसा देता है, लेकिन इस पे आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब बैंकों को, नॉर्मल बैंकों को आरबीआई से पैसा चाहिए रहता है लोन पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पे आरबीआई जो रेट चार्ज करता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। इस बैंक रेट को मैं डिस्काउंट रेट भी बोल सकता हूं। अब बहुत बार बेटा बैंकों को पैसा चाहिए रहता है आरबीआई से, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए चाहिए होता है। तो अगर बैंकों को पैसा चाहिए आरबीआई से लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए चाहिए, तो आरबीआई इसके ऊपर जो रेट चार्ज करता है उसे बोलते हैं बेटा रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। एंड बहुत बार बेटा क्या होता है कि बैंकों के पास एक्स्ट्रा का पैसा सरप्लस फंड्स पड़े होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा का पैसों का क्या करूं, बाहर किसी को लोन पे भी नहीं बांट पा रहे, तो आरबीआई जो नॉर्मल बैंक से ये अपने सरप्लस फंड्स को जाके आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं, और बैंक बोलता है कि आरबीआई तुम तो हमसे हर चीज में इंटरेस्ट चार्ज करते, तो अब जब हम तुम्हें हमारा एक्स्ट्रा का पैसा दे रहे हैं तो इस पे तुम अब हमें इंटरेस्ट दो। तो जो इंटरेस्ट आरबीआई देता है बैंकों को उनके सरप्लस फंड्स पे, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट।
अब इस पे एमसीक्यू क्या आता है, सुनेंगे ध्यान से क्या होता है, सुनिए। बोलते हैं रेपो रेट जो है, रेपो रेट ये आरबीआई को, ये आरबीआई को मिलता है, और रिवर्स रेपो रेट जो है बेटा, जो रिवर्स रेपो रेट है ये आरबीआई देता है। तो रेपो रेट आरबीआई को मिलता है, रिवर्स रेपो रेट जो है ये आरबीआई को देना पड़ता है। तो आरबीआई ज्यादा रेट लेगा या आरबीआई ज्यादा रेट देगा, क्या करेंगे बताइए? आरबीआई ज्यादा रेट लेगा या आरबीआई ज्यादा रेट देगा बताइए? आरबीआई जो है बेटा क्या करता है, वो ज्यादा रेट लेता है। तो इसका सुनेंगे बात ध्यान से, तो इसका मतलब है कि हमेशा बेटा क्या होगा, ऑलवेज रेपो रेट जो है वो आपके रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से बेटा हमेशा ज्यादा होता है, इस चीज को याद रखेंगे। अब इसके ऊपर बेटा एमसीक्यू आता है ये वाला, ऐसा आपको बोलेंगे क्वेश्चन में। अच्छा चलो और एक चीज बता रहा हूं, बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कि हमें ना जब हमें इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करने होते हैं ना, अब बहुत ही छोटा सा चेंज करना है, तो मैंने बोला 0.25%। अब ये लिखने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है, प्रिंटिंग में समझो पॉइंट छूट गया तो, है ना, इसका इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं ऐसा मत लिखो, जब 0.25% से चेंज करना है ना, तो आप ऐसे लिखो ना 25 बेसिस पॉइंट, बस ये लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है, है ना। तो अगर मैंने बोला कि हमने 70 बेसिस पॉइंट से रेट को बढ़ा दिया, मतलब क्या, 70 को डिवाइड करना 100 से, मतलब कि 0.7% से हमने रेट को बढ़ाया है, झेपा क्या? अच्छा अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 150 बेसिस पॉइंट से हमने रेट को गिराया, मतलब क्या, 150 को 100 से डिवाइड करो, तो बोलेंगे 1.5% से रेट को गिराया है। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन ने बोला 35 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, 35 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, तो 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.35%, खत्म हो गया, आ जाएगा 0.35%। ये याद रहेगा, ऐसा एमसीक्यू आता है बेटा, ठीक है, ऐसा एमसीक्यू आता है। अब ध्यान देंगे, बोलते हैं करंट रिवर्स रेपो रेट, करंट करंट रिवर्स रेपो रेट दिया है 4.5%। आरबीआई डिक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट बाय 120 बेसिस पॉइंट्स, द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो इज 1.5%, कैलकुलेट द न्यू रेपो रेट। बताइए आंसर, आंसर बताइए क्या लग रहा है, जल्दी से। बताइए आंसर क्या लग रहा है आपको, चलो चेक करके देखेंगे। तो कैसे करते हैं इस सवाल को, देखिए सुनिए बात ध्यान से। बोलता है हमारा करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है, हमारा करंट रिवर्स रेपो रेट बेटा क्या है, 4.50%। आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया, आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया, आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया रेपो रेट को, डिक्रीज रेपो रेट बाय 120 बेसिस पॉइंट। 120 बेसिस पॉइंट मतलब क्या, 120 अपॉन 100, 1.20%। तो 1.20% से इन्होंने रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया, तो हमारा नया, हमारा न्यू रिवर्स रेपो रेट क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा 3.30%, झेपा गया। अब बोल रहा है, अब सुनो बात ध्यान से, हमारा रेपो और रिवर्स रेपो में, हमारे रेपो और रिवर्स रेपो में रेपो हमेशा ज्यादा होगा। अगर रिवर्स रेपो की वैल्यू, अगर रिवर्स रेपो की वैल्यू है बेटा 3.3%, अगर रिवर्स रेपो की वैल्यू है 3.3% एंड आरबीआई बोलता है कि रेपो और रिवर्स रेपो में हमेशा 1.5% का डिफरेंस चाहिए, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है ना वो 1.5% का होना चाहिए। तो अगर इसमें से रिवर्स रेपो 3.3% है तो रेपो कितना होगा, इससे ज्यादा ही होगा ना, तो इसमें अब आपको डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, झेपा के बाद।
तो आपको मिल जाएगा नया रेपो रेट जो कि है 4.8%, ठीक है 4.8%। तो जरूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंस को ऐड करेंगे। समझो अगर यहां पे मैंने पहले रेपो निकाला होता रेपो रेट और फिर डिफरेंस से हमें रिवर्स रेपो निकालना है तो क्या करेंगे, तो रेपो रेपो रेट में से रेपो रेट से रिवर्स रेपो कम होता है तो रेपो में से माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस को, तब जाके रिवर्स रेपो आएगा। पर चूंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी रिवर्स रेपो में थे और यहां से रेपो पे जाना था तो रिवर्स रेपो में ऐड करते हैं डिफरेंस तो नया रेपो रेट आता है। ये समझ में आ रही बात है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है सेबी की, जल्दी से बस एमसीक्यू वाले पॉइंट देखेंगे, दना दन सुनिए क्या है एमसीक्यू वाले पॉइंट। सबसे पहले सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी पावर कब मिली थी, 1992 में। एमसीक्यू आता है व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड क्या बोलोगे, 1988 या 1992, वापस से व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड 1988 या 1992 फास्ट, When was SEBI established 1988 या 1992? बेटा SEBI established हुआ था 1988 में, लेकिन इसको पावर मिली लॉ के अंदर 1992 में। तो अगर क्वेश्चन पूछा When was SEBI established तो आप बोलोगे 1988, समझा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। बोलते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी में कैपिटल या स्टॉक मार्केट होते हैं इनको इन पे निगरानी रखने के लिए हमने किसको बनाया, सेबी को बनाया। जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में पहले होता है कोई होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के जीवन में सेबी के आने के पहले हुआ करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। तो सेबी के पहले हु वाज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट क्या बोलेंगे, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। नेक्स्ट, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है सेबी का, मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। नेक्स्ट, फिर बोलेगा आपको बेटा सेबी के रीजनल ऑफिसेस, सेबी के रीजनल ऑफिसेस तो याद रखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ बोला, नॉर्थ में सबसे पहले कौन सा सिटी या स्टेट आता दिमाग में, न्यू दिल्ली है ना। तो सेबी का रीजनल ऑफिसेस, सेबी के रीजनल ऑफिसेस नॉर्थ में कहां है, सेबी का रीजनल ऑफिस बेटा नॉर्थ में कहां है फास्ट, नॉर्थ में कहां है, न्यू दिल्ली में है ना। ईस्ट में कहां है, कोलकाता में। साउथ में कहां है, चेन्नई में। और वेस्ट में कहां है, वेस्ट में मुंबई में हेडक्वार्टर है। बचा क्या फिर, अहमदाबाद में है बेटा, क्या बताइए इसका रीजनल ऑफिस। तो इसके एमसीक्यू आता है रीजनल ऑफिसेस में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, लेकिन रीजनल ऑफिसेस नॉर्थ में न्यू दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में अहमदाबाद। नेक्स्ट बात आती है बेटा, प्लीज ध्यान देंगे, अगली बात आती है इसकी कंपोजिशन ऑफ सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलते हैं कि सेबी जो है सिर्फ बिल्डिंग बना के काम चलेगा क्या सेबी की, नहीं, इसमें लोग भी चाहिए जो काम करेंगे। तो सेबी के बोर्ड में कौन कौन होता है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। बोलते सेबी के बोर्ड में बेटा सबसे पहले होता है एक चेयरमैन जिसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होते हैं टू मेंबर्स, एक मेंबर होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, एक मेंबर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। झेपा क्या बात है, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, इनको भी बेटा नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एक मेंबर एमसीक्यू आएगा, आरबीआई से एक मेंबर होना चाहिए सेबी में। एमसीक्यू आता है हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी इन द सेबी बोर्ड फ्रॉम आरबीआई, एक मेंबर होता है आरबीआई से जो सेबी के बोर्ड में होता है, एंड उसे कौन नॉमिनेट करता है, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। एंड फाइनली फाइव अदर मेंबर्स जिसमें से एटलीस्ट थ्री आपके होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, मतलब जो हर मीटिंग वगैरह को अटेंड करे, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो इसका समरी बना रहा हूं जल्दी से, वापस से लिखेंगे प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेबी, तो सेबी के बोर्ड में कौन कौन होता है, ठीक है। तो बोला सबसे पहले एक चेयरमैन होगा,
हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होंगे बेटा टू मेंबर्स, फिर होंगे टू मेंबर्स, एक होगा बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एंड एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिसको क्या होगा बताइए, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, बाय सीजी, तो ही विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो है वन मेंबर होना चाहिए आरबीआई से, वन मेंबर फ्रॉम आरबीआई, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, हु विल बी नॉमिनेटेड बाय आरबीआई इटसेल्फ, गवर्नमेंट नहीं। एंड देन बेटा होगा फाइव अदर मेंबर्स, जिसमें से बेटा एटलीस्ट थ्री मेंबर्स जो है क्या होने चाहिए, होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। इनको कौन अपॉइंट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, इनको भी अपॉइंट करेगा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या याद रहेगा बताइए फास्ट, क्या ये याद रहेगा, क्या ये याद रहेगा गाइस, प्लीज बताइए जल्दी से। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगली बात, नेक्स्ट बात आती है बेटा, सेबी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ थ्री ग्रुप्स। तो तीन ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके नीड्स को रिस्पॉन्ड करता है सेबी, जिनके लिए सेबी काम करता है। कौन कौन है, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कौन, कंपनीज जो शेयर्स बॉन्ड्स इशू करते हैं मार्केट में, द इन्वेस्टर्स जो शेयर्स बॉन्ड्स खरीदते हैं, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर्स, एंड द मार्केट इंटरमीडिएटरीज, मतलब जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। सो थ्री ग्रुप्स है ना, जिसके लिए सेबी काम करता है, इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर्स एंड मार्केट इंटरमीडिएटरीज। बोलते हैं सेबी के तीन फंक्शन होते हैं, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। क्या क्वाजी फिस्कल इसका फंक्शन है क्या, नहीं, क्वाजी फिस्कल जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है, कि सेबी जो है वो रेगुलेशंस, लॉज वगैरह बना सकता है। क्या पूरे कंट्री के लॉ बनाएगा, क्या पूरे कंट्री के रेगुलेशन बनाएगा, नहीं, ये क्वाजी पावर है। क्वाजी मतलब क्या, पूरे कंट्री के लिए नहीं बना सकता, सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बना सकता है लॉज एंड रेगुलेशन। सो क्वाजी लेजिस्लेटिव, सेबी जो है लॉज रेगुलेशन बना सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सेबी के पास क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, क्या सेबी इंडिया में जितने भी केसेस होंगे सब पे जजमेंट पास कर सकता, क्या नहीं, जजमेंट या रूलिंग या ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड केसेस होंगे उस पे ही यह रूलिंग एंड ऑर्डर पास कर सकता है। फिर बात आती है बेटा क्वाजी एग्जीक्यूटिव की, बोलते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने बनाए हैं वो क्या सारे कंपनीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका इंस्पेक्शन सेबी करता है, एंड जिन लोगों ने नहीं फॉलो किए हैं रूल्स रेगुलेशन उन पे दनादन फटके भी लगाएगा सेबी। तो क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, थ्री फंक्शंस ऑफ सेबी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपील प्रोसेस। बोलता है कि सेबी के पास जो है क्वाजी जुडिशियल पावर है, ये ऑर्डर, ये जजमेंट पास कर सकता है अलग अलग केसेस में। समझो बेटा अगर सेबी का ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया, समझो अगर सेबी ने ऑर्डर पास किया और सेबी के ऑर्डर से आप ना खुश है, तो सेबी के ऑर्डर पे आप अपील कर सकते हैं, किसके पास, सैट के पास। सैट होता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोला, अगर सेबी के ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं, अगर आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं हैं, तो आप इसकी पहली अपील कर सकते हैं सैट के पास। सैट को बोलेंगे सैट, सैट है जो सेबी ने ऑर्डर पास किया ना, वो मुझे पसंद नहीं आया, तो सैट में बेटा एमसीक्यू आ सकता है कि सैट जो है ये होता है थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल। कितने लोग होते हैं इसके अंदर, तीन लोग होते हैं, तो ये एक थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल है, थ्री मेंबर कोर्ट है, जिसका हेड कौन है, हेड जिसका हेड है बेटा जस्टिस जे पी देवधर, जस्टिस जे पी देवधर इसके हेड है। तो थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल होता है जिसका हेड कौन है, जस्टिस जे पी देवधर। अब
सैट भी क्या करता है फिर अपना ऑर्डर पास करता है। अगर बेटा आप सैट के ऑर्डर से भी खुश नहीं हैं तो फिर आप सेकंड अपील कर सकते हैं कहां, सेकंड अपील कर सकते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट में। तो एमसीक्यू आएगा द फर्स्ट अपील टू सेबीज ऑर्डर लाइज टू सैट, द सेकंड अपील टू सेबीज ऑर्डर कहां करनी पड़ती है सेकंड अपील, सुप्रीम कोर्ट के पास। याद रहेगा क्या, याद रहेगा बताइए। अच्छा सैट जो है, सैट ये थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल होता है, इसका हेड कौन है, जस्टिस जेपी देवधर, याद रखेंगे। और सेकंड अपील कहां हो सकती है सेबी के ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट में। चलो नेक्स्ट, फिर बात आती है पावर्स ऑफ सेबी की। जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जो इंटरनल लॉज बनाएंगे, उसको अप्रूव कराना पड़ता है सेबी के पास। अगर सेबी को लगा तो वो किसी स्टॉक एक्सचेंज के इन बाय लॉज को अमेंड या चेंज भी करवा सकता है। सेबी जो है स्टॉक मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंजेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनसे अलग अलग चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। सेबी जो है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर सेबी को लगे तो वो कुछ कंपनीज को कंपेल कर सकता है कि तुम्हें अपने शेयर्स को लिस्ट कराना चाहूंगा ऐसा। फिर सेबीज रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन, ये चिल्टू बातें हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आता है बेटा सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बोलते हैं कि हर एक मार्केट में कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर एक मार्केट में कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर कंपटीशन होता है ना हर मार्केट में तो उससे इनोवेशन एंकरेज होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचेंगे कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो हर एक व्यक्ति सोचेगा, हर एक व्यक्ति सोचेगा कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव हो सके, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे लोगों को मेरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आए। तो हम हर एक सेलर इनोवेशन करता है ज़्यादा ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स में, तो कॉम्पिटिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन की वजह से एफिशियंसी भी इंक्रीज होती है। बोलते हैं कि हर एक सेलर सोचेगा कि कैसे मैं मेरे कॉस्ट को कम से कम कर सकता हूँ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ जिससे सेलिंग प्राइस कम से कम हो, राइट। आगे नेक्स्ट क्या बताइए, पनिशिज द लगार्ड्स, प्लीज ध्यान देंगे, पनिशिज द लगार्ड्स, प्लीज ध्यान देंगे। यस, बोलते हैं बेटा पनिशिज द लगार्ड्स मतलब क्या, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस स्लो प्रोग्रेस करते हैं, अरे मार्केट कितना आगे जा रहा है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कितने आगे बढ़ रहे हैं, नए नए टाइप के प्रोडक्ट ला रहे हैं, पर तुम तुम्हारे वही पुरानी जिंदगी में चल रहे हो, तुम तुम्हारे वही पुरानी जिंदगी में क्या बताए चल रहे हो, तुम अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं वहां पे, तो क्या होगा, अपने आप लोग जो है आपके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे और धीरे धीरे आपको मार्केट के बाहर निकाल देंगे। तो पनिशिज द लगार्ड्स मतलब क्या बताइए, पनिशिज द लगार्ड्स का मतलब क्या है, कि जो जो कंपनी स्लो प्रोग्रेस करेंगी, जो लैग बिहाइंड करेगी, अपने आप उनका सेल कम होगा, अपने आप वो मार्केट के बाहर हो जाएंगे। एमसीक्यू आता है कि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो है ना बेटा चॉइसेस और इम्प्रूव होती है, तो इट बूस्ट चॉइसेस, इसमें एमसीक्यू आता है। क्या कॉम्पिटिशन से फिक्स्ड चॉइसेस रहती है क्या, नहीं, चॉइसेस बढ़ती है, हमारे पास और चॉइसेस आती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, हर एक सेलर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करता है, कॉस्ट को कम करता है, कस्टमर्स के सामने मल्टीपल सेलर्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। एंड इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ गुड क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइसेस, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम प्राइसेस में मिलते हैं कॉम्पिटिशन की वजह से। तो चूंकि कॉम्पिटिशन होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर मार्केट में कंपटीशन जो है ये सस्टेन होना चाहिए, हर मार्केट में जो कंपटीशन है बेटा क्या बताइए, हाँ हर मार्केट में कंपटीशन जो है बेटा क्या बताइए, होना ही होना चाहिए। तो हमारे इकोनॉमी में हर मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करो एंड उसे लंबे समय तक सस्टेन करने का काम किसका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि जो है क्या हो, छोटी सी छोटी कंपनी और बड़ी सी बड़ी कंपनी सेम मार्केट में साथ में काम कर सके। एमसीक्यू आता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है कि छोटी सी छोटी कंपनी एंड बड़ी सी बड़ी कंपनी साथ में मिलके सेम मार्केट में काम करे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन बेटा क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सेम टाइप के प्रोडक्ट को बेचते हो, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग, दोनों ही
बर्गर्स बेचते हैं, जैसे कोका कोला पेप्सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है। पिज्जा हट डोमिनोज, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है। लेकिन इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, जहां पे दो कंपनीज का प्रोडक्ट सेम नहीं है लेकिन जिन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, जिनके लेकिन जब जिन कस्टमर को वो टारगेट कर रहे हैं वो क्या बताइए, वो कस्टमर्स हमारे सेम होते हैं, प्रोडक्ट सेम नहीं है। लेकिन जैसे कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड रेडी टू ईट मील्स, जैसे कि इसमें आता है ना वो हॉलीडे रिसोर्ट वाला, हॉलीडे रिसोर्ट वाला एंड कार कंपनी, हॉलीडे रिसोर्ट वाला भी क्या करेगा, अमीर लोगों को टारगेट करेगा, अमीर कस्टमर को टारगेट करेगा, एंड कार कंपनी वाले भी अमीर कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। सो दोनों के प्रोडक्ट अलग हैं लेकिन वो सेम कस्टमर को टारगेट करते हैं, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट, या सॉरी कॉम्पिटिशन एक्ट बोलते हैं। देखो सुनिए बात ध्यान से कि पहले के जमाने में बेटा जब सीसीआई नहीं हुआ करता था तब जो है बेटा हुआ करता था कैपिटल सॉरी मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो पहले के जमाने में जब कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं था उस समय पे बेटा था एमआरटीपी एक्ट 1969 आ गया, एंड इसके अंतर्गत आता था एमआरटीपी कमीशन। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, इस एक्ट को खत्म किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया गया, एंड इसके बदले लेके आ गए बेटा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, एंड इसके अंतर्गत आ गया बेटा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था बताओ, तो क्या बोलोंगे, तो आप बोलोंगे बेटा एमआरटीपी कमीशन। अगर एमसीक्यू आया कॉम्पिटिशन एक्ट के पहले, ये आया था लेटेस्ट एमटीपी में, कॉम्पिटिशन एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था जो कॉम्पिटिशन पे निगरानी रखता था, एमआरटीपी एक्ट। ये लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में एमसीक्यू आया है। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। यस प्लीज बताइए बेटा जल्दी से, प्लीज बताइए। चलो डन, सो समझ में आ रही क्या बातें, क्या बोल रहा हूं, एमसीक्यू आता है बेटा नेक्स्ट। अब है बेटा फीचर्स ऑब्जेक्टिव या रोल ऑफ सीसीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स या रोल ऑफ सीसीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे काफी सवाल आते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। क्या करना है हमें, हमें जो है सीसीआई क्या बोलेगा, ऐसी हरकतें जो कॉम्पिटिशन को प्रमोट, ऐसी हरकतें जिससे कॉम्पिटिशन बढ़े, ऐसी हरकतों को प्रमोट करो। सो कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है एंड कॉम्पिटिशन सस्टेन रहना चाहिए हर मार्केट में। सो कॉम्पिटिशन को प्रमोट करो, हर मार्केट में कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन जो हरकतें कॉम्पिटिशन के खिलाफ होती हैं, जो हरकतें कॉम्पिटिशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, उन हरकतों को प्रिवेंट करो। प्लीज समझेंगे बात को वापस से, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करो लेकिन जो हरकतें कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है, जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कॉम्पिटिशन पे, उन हरकतों को प्रिवेंट करना है। यस देन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, अगर क्वेश्चन आए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, वो सीसीआई का काम नहीं है, वो आईआरडीए का काम है। पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम आईआरडीए का है, सीसीआई का नहीं है। एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये क्या है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से जो बिजनेस करना चाहे कर सके। ये क्या है बताइए फास्ट, हाँ ये क्या है बेटा बोलो ना जल्दी से। फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, समझा ना, याद रहेगा बताइए फास्ट। इस पे एमसीक्यू आता है बेटा प्लीज मुझे बताएंगे, प्लीज मुझे बताएंगे बेटा इस पे एमसीक्यू आता है। चलो क्या बताएंगे आपको, बताओगे जल्दी बताइए फास्ट। ठीक है डन, आगे नेक्स्ट। ये हो गया, फिर सीसीआई का नेक्स्ट क्या बेटा होता है, यहां पे बोलता है कि सीसीआई क्या है, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की तरह है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब अगर इसके मेंबर्स चले भी गए तो भी सीसीआई रहेगा, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब एमसीक्यू आता है सीसीआई के कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन
सीसीआई का अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया तो क्या अपने आप काम करेगा? नहीं, इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स चाहिए। तो सीसीआई के बोर्ड में कौन होता है? बोलते हैं एक चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सीजी। वापस से, सीसीआई के बोर्ड में कौन है? वन चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एमसीक्यू आता है बेटा, प्लीज याद रखेंगे, ये एमसीक्यू आता है याद रखेंगे प्लीज। क्या याद रहेगा बोलो? यही ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा नेक्स्ट है क्या, आईआरडीए। बोलते हैं आईआरडीए क्या है, ये क्यों बनाया गया है? इंश्योरेंस कंपनीज को के ऊपर निगरानी रखने के लिए। इसका कौन से ईयर में स्थापित हुआ आईआरडीए? 1999 में। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इसके अंतर्गत हमने आईआरडीए को बनाया। ये क्यों बनाया गया है? हमारे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, इसमें एमसीक्यू क्या आता है? और इसमें एमसीक्यू बेटा आता है वो तो पॉलिसी होल्डर वाला, दूसरा आता है ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईआरडीए कहां दिए गए हैं? सेक्शन 14 ऑफ आईआरडीए एक्ट। तो ये एक ही सेक्शन याद रखना है पूरे बीसीके के अंदर, सेक्शन 14 ऑफ आईआरडीए एक्ट याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है फंडिंग इंस्टीट्यूशंस या इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स। बोलते हैं बेटा हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए हमें लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के लिए हमें लगता है लॉन्ग टर्म फंड्स से, हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा लाना पड़ता है। पहले के जमाने में हमारे इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे, तो स्टॉक मार्केट से आसानी से आप पैसा रेस नहीं कर पाते थे पहले, है ना? आपको जितना चाहिए उतना आसानी से नहीं मिल पाता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने बेटा बनाए डेवलपमेंट बैंक्स झेपा, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म फंड्स आसानी से मिल सके। झेपा बातें। अब डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं बेटा, ये लोगों से पैसा डिपॉजिट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एमसीक्यू आएगा, डेवलपमेंट बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो अगर हमारा डेवलपमेंट बैंक जो है ये अगर लोगों से पैसा डिपॉजिट में लेंगा च नहीं, तो फिर ये सामने लोन कैसे बांटेगा? बताओ। तो बोलते हैं इनके पास बेटा पैसा आता है, एसएलआर एंड सीआरआर वाला। तो आरबीआई जो है ना बेटा, वो एसएलआर सीआरआर वाला पैसा जो है वो देते हैं डेवलपमेंट बैंक्स को, और वो डेवलपमेंट बैंक्स यूज करते हैं फर्दर लोन बांटने के लिए। हम डेवलपमेंट बैंक्स को बेटा परवेयर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ये दूसरों को पैसा लोन पे देते हैं, दे आर गिवर ऑफ क्रेडिट या परवेयर ऑफ क्रेडिट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बात क्या है, बोलते हैं अब इसके हिस्ट्री पे एमसीक्यू आता है बेटा, डेवलपमेंट बैंक्स की हिस्ट्री पे। बोलते हैं सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक क्या था? तो सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक था बेटा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या IFCI। तो सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक क्या था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आया ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1955 में आया, एंड फिर आया इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964 में। एमसीक्यू का आएगा सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? IFCI। अब क्या हुआ कि जब हमारे इकोनॉमी में लेटर क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट अब ग्रो होना चालू हो गए, स्टॉक मार्केट अब अच्छे से डेवलप होना चालू हो गए, स्टॉक मार्केट से अब आसानी से पैसा मिल पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला इतने सारे अब डेवलपमेंट बैंक की जरूरत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो ICICI एंड IDBI ये जो बैंक्स हैं, इनको कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया। सो एमसीक्यू आएगा कौन से डेवलपमेंट बैंक को हमने कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट किया है? ICICI एंड IDBI। एंड जो IFCI था ना, इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, नेक्स्ट बात आती है बेटा, हमने नाबार्ड को क्यों बनाया? हमेशा याद रखेंगे, नाबार्ड को क्यों बनाया? रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। खत्म। तो रूरल याद रखेंगे हमेशा, नाबार्ड का कुछ भी आया बेटा तो हमेशा रूरल ही आंसर होगा।
ये अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, सेमी अर्बन के डेवलपमेंट के लिए नहीं, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं नाबार्ड को। समझा गया बातें? चलो तो रूरल एरिया याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, फिर बात आती है कि नाबार्ड जो है ये कब सेटअप हुआ, 1982 में सेटअप हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेटा मुंबई में। अब एमसीक्यू आएगा, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, बताइए। अगर एमसीक्यू आए, बट बस 5 मिनट बचे हैं, ओनली 5 मिनट्स, मुझे बताइए एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, अगर ऐसा बोला तो, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया अगर ऐसा बोला तो हम बोलेंगे आरबीआई। लेकिन बेटा अगर आपको पूछा क्या, अगर आपको पूछा एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो क्या बोलोगे? तो आंसर होगा नाबार्ड। याद रहेगा एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड, याद रहेगा। वेरी गुड। चलो तो एपेक्स डेवलपमेंट बैंक क्या है बताइए? नाबार्ड। नेक्स्ट बोलते हैं हम नाबार्ड में जो है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, नाबार्ड काम करते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या? जो घर गुती गृह उद्योग होता है, जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में माधवी भाभी जो है ये आचार पापड़ का घर गुती बिजनेस करते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, इन लोगों के लिए काम करता है कौन बताइए? नाबार्ड। फिर बात आती है बेटा नाबार्ड जो है कौन से बैंक को रीफाइनेंस करता है। इसमें एमसीक्यू आया था बेटा लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में कि नाबार्ड जो है कौन से बैंक को रीफाइनेंस नहीं करके देता। तो किसको रीफाइनेंस करता है? ये स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये पूरा एक ही है ना, ये गलती से दो पॉइंट में आ गए, ये पूरा एक ही है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये पूरा एक पॉइंट है। फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन सबको ये रीफाइनेंस करता है। मतलब क्या? जब ये ऑर्गेनाइजेशन सामने लोन बांटते हैं, जब सामने लोन बांटते हैं फार्मर्स वगैरह को, तो बहुत बार क्या करते हैं फार्मर्स ना पैसों को वापस नहीं दे पाते, तो इससे क्या होगा, ये बैंक्स का पैसा तो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगा, ये बैंक्स भी डूबना चालू हो जाएंगी। तो इन बैंक्स को रीफाइनेंस करके देता है नाबार्ड। लेकिन क्या नाबार्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक को करके देता है क्या? क्या नाबार्ड प्राइवेट बैंक को करता है क्या रीफाइनेंस? यहाँ पे प्राइवेट बैंक अलग से लिखा है क्या? नहीं। तो एमसीक्यू आएगा कौन से बैंक को नाबार्ड रीफाइनेंस नहीं कर सकता? प्राइवेट बैंक को नहीं करता, इन सबको करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट बेटा एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, एक मिनट रुके, बस लास्ट पेज पे ही अपन, वैसे तो हमें लास्ट पेज पे ही है। चलिए इसको मैंने ठीक कर दिया, बस चलो आओ इधर वापस आइए। हाँ तो मैंने आपको बता दिया क्या नाबार्ड इनको रीफाइनेंस करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, लेकिन प्राइवेट बैंक्स को नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। बोलते हैं कि रूरल एरियाज में पहले के ज़माने में कुछ वुमन है ना लेडीज़ ने क्या किया कि वो हर महीने मिलते थे एंड कुछ पैसा इकट्ठा करते थे हर महीने के एंड में, और फिर अगर उनके ग्रुप में से किसी के भी घर पे अगर समझ लो शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो ये लोग जो पैसा इकट्ठा किया है उसमें से उनको लोन देते थे उस लेडी को जिसके घर पे कोई फंक्शन हो। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो धीरे धीरे ये वुमेन ने, वैसे तो वुमेन ने स्टार्ट किया था, विमेन ने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मेन भी अब इसमें आ गए। अब इन दोनों का बेटा एसएचजीज वगैरह होते हैं। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनको भी बहुत बार पैसों की जरूरत पड़ती है, तो अगर गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है अगर इन लोगों को, इन एसएचजीज को अगर हम बैंक से लिंक कर दे तो बैंक वाले आसानी से इनको लोन दे सकते हैं। तो नाबार्ड ने बेटा इसमें हेल्प किया, नाबार्ड ने जो है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने सारे एसएचजीज को बैंक से लिंक करके दिया, ठीक है। नेक्स्ट नाबार्ड जो है ये वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, फार्म इनोवेशन का काम करता है, लेकिन नाबार्ड जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग का काम नहीं करता। वापस से मैंने क्या बोला बताइए? नाबार्ड जो बेटा प्लीज बताइए,
हाँ नाबार्ड जो है क्या बताइए, हाँ नाबार्ड जो बेटा क्या बताइए, वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड फार्म इनोवेशन का काम करता है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग का काम नाबार्ड नहीं करता, याद रहेगा बताइए फास्ट। चलो तो एमसीक्यू आता है, कौन सा काम नाबार्ड नहीं करता, वाटर ट्रीटमेंट का प्लानिंग का काम नाबार्ड नहीं करता है। यहां पे बेटा पूरा का पूरा बीसी के चैप्टर 4 एंड बीसी के चैप्टर 5 पूरा का पूरा आपको करवा के दिया है। सो गाइस आई होप कि आपको आज हमारे इस वीडियो में आया होगा मजा। आप हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे, कम्युनिटी ऐप को ज्वाइन करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, हर जगह पे यार इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी बच्चे सी फाउंडेशन के एग्जाम्स दे रहे हैं सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारे जो भी फ्री क्लासेस हैं उनकी लिंक्स मैं इस एक लिंक पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है बेटा यहाँ पे जा सकते हैं इस लिंक पे bit.ly/mvsanacademy, एंड यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मेरे सारे फ्री रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू वीडियोस एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप एमवी से कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स और ऑफर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स का ना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।